आएंगे आएंगे ठीक जी। सुप्रभात, स्वागत आप सभी विद्यार्थियों का ओएसयू की इस ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में। आज हम लोग वापस से आगे बढ़ते हुए एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ आ पहुंचे हैं। आज का जो हमारा विषय, आप लोगों के डीएचडी के जो द्वितीय छमाही की जो परीक्षाएं हैं उसका पेपर है DHD CC3, उसी के ब्लॉक 5 जो कि अस्मिता विमर्श पे है, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इस विषय पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज मौजूद है मैडम तुलिका विश्वास जी, जो वर्तमान में राजभाषा अधिकारी के रूप में MCL महानदी कोलफील्ड लिमिटेड में कार्यरत है। तो मैडम को अपने विश्वविद्यालय की तरफ से पुनः एक बार स्वागत करता हूँ और मैम से आग्रह करता हूँ कि आज की कक्षा को आरम्भ करें। धन्यवाद। नमस्ते सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी कि आपने मुझे दोबारा एक मौका दिया कि मैं किसी हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश पर बात कर सकूं, अपनी बात रख सकूं। आशा करती हूँ मेरी आवाज आपको स्पष्ट आ रही होगी। इसके साथ ही मैं उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय एवं इनके अधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ तथा इसके साथ ही मैं अपना ये अपनी ये कक्षा शुरू करती हूँ। सबसे पहले जो बात करें, हमारा ये जो विषय है आपका अस्मिता विमर्श पर। अस्मिता विमर्श यानी कि हिंदी साहित्य या कहा जाए तो भारतीय साहित्य में अस्मिता विमर्श पर क्या क्या काम हुए हैं और क्या क्या बातें हुई हैं, मुख्यतः उन्हीं बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। अस्मिता विमर्श को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अस्मिता विमर्श आखिर है क्या, यानी कि अस्मिता शब्द कहाँ से बना, कहाँ से अस्मिता शब्द की शुरुआत हुई और इस शब्द को इस विमर्श में क्यों चुना गया। क्योंकि ये एक शब्द है जो किसी भी एक दल के लिए रूढ़ नहीं है। जैसे मैं कहूँ तो जैसे स्त्री विमर्श है, तो स्त्री विमर्श में आप स्त्री को छोड़ के दूसरे महिला या नारी नारी पर भी बहुत सारी शब्द बनाए गए हैं, मगर स्त्री को आपने केंद्र रखा है। मगर अस्मिता विमर्श में ऐसी कोई बात नहीं है। तो अस्मिता विमर्श में एक जो शब्द चुना गया उसको जानबूझकर और पूरी जानकारी के साथ इस शब्द को चुना गया है। तो अस्मिता शब्द का अर्थ है, अस्मिता शब्द बना है अस्मि शब्द से। अस्मि शब्द अस धन्मिन धातु से बना है। अस्मि मतलब अस्मि यानी मैं हूं। मैं हूं मतलब यही कि मैं हूं यानी मेरी एक पहचान है। मैं इस जगत में मेरा एक अस्तित्व है, उस अस्तित्व की पहचान है वो मैं हूं। मेरे होने का सबूत अस्मिता शब्द का जो मूल है वो है कि मेरे होने का सबूत है मैं हूं और मेरी सत्ता से ही यह पूरा संसार है। तो अस्मि की भाववाचक संज्ञा ही अस्मिता शब्द है और इस शब्द से स्वत्व का बोध होता है यानी मेरे होने का बोध होता है। यह शब्द आपको एक परिचय देती है, यह शब्द आपको एक जानकारी आपको आपको एक सम्मान देती है, आपको एक परिचय देती है, आपके एग्जिस्टेंस को एक एस्टेब्लिश करती है। इसीलिए इस शब्द में अस्तित्व बोध का मतलब अस्तित्व बोध प्रतीत होता है, आपके अस्तित्व आपके होने का सबूत यह शब्द है। तो इसीलिए इस शब्द से तो अस्मिता विमर्श में इस शब्द की बहुत ज्यादा महत्ता है कि अस्मि यानी मैं हूं और मेरी मेरे भी मेरे दुख मेरे मेरे तकलीफ मेरी खुशियां और मेरा परिचय एक अलग से है और उसे भी दुनिया को समझने की आवश्यकता है। तो इसीलिए अस्मिता शब्द को चुना गया। यह अस्मिता शब्द महज एक शब्द नहीं है, ये आदमी के मन में एक विरोध एक विद्रोह और एक जागरूकता का प्रतीक है। यानी एक आदमी अपने बारे में सोचे कि मैं कौन हूं इस समाज में, इस पूरे राष्ट्र में या समाज में मेरी हैसियत क्या है। ये सब प्रश्न जब आपके मन में उठते हैं, जब आपको अपने स्वत्व का बोध होने लगता है, अपने आप
आपका ज्ञान होने लगता है, वह शब्द आपको आपकी अस्मिता की पहचान कराता है। यानी आप अपनी अपने एग्जिस्टेंस को समझने लगते हैं और आपको लगने लगता है कि नहीं, इस दुनिया में आपका एक अलग अस्तित्व है। तो ये सब प्रश्न आपके मन में उठते हैं, तब आप अस्मिता विमर्श में धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। तो अस्मिता विमर्श, हिंदी साहित्य में अस्मिता विमर्श जिस बात को जिन लोगों के लिए इसको मुख्य रूप से रखा गया, ऐसे लोग, ऐसी ऐसा समुदाय, ऐसे ऐसा एक ग्रुप, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है, तो समाज के ऐसे लोग जो इस दर्पण में कभी न कभी छूटते जा रहे थे, यानी दर्पण में जिनका चित्र साफ नहीं आ रहा था। अभी दर्पण है तो सबका चित्र साफ आना चाहिए, है ना। तो समाज में ऐसे ऐसा एक ग्रुप, ऐसा एक समूह जिनका चित्र इस दर्पण में साफ नहीं आ रहा था, जिनके अस्तित्व को होकर भी नकार दिया जा रहा था साहित्य के रूप में, उनकी पहचान ये अस्मिता विमर्श आपको कराती है। तो ऐसे कैसे लोग, जैसे आपके जब आपकी यह पहचान बनती है कि नहीं, मैं हूं और मेरी समाज में क्या हैसियत है, इन प्रश्नों को उठने से इन समुदायों के मन में अस्मिता निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है कि ऐसे कौन से समुदाय हैं, जैसे आपके क्या कहते हैं, दलित हैं या स्त्री है या आदिवासी संप्रदाय है। इन संप्रदायों के बारे में हिंदी साहित्य या कहें भारतीय साहित्य में भी पहले आज से करीब 50 से 60 साल पहले कुछ खास लिखा नहीं जा रहा था। साहित्य में जितनी भी चीजें लिखी जा रही थी या जो भी लिखी जा रही थी, वो इनके पर इनके संघर्षों को, इनकी तकलीफों को, इनके द्वंद्वों को या इनकी खुशियों को भी, इनके उत्सव त्योहार परंपराएं इनको उजागर नहीं कर रही थी। कहीं ना कहीं जो साहित्य है वो बायस्ड हो रहा था, जो साहित्य है वो एक तरफा दिखा रहा था, एक अंश दिखा रहा था, उसी तरह चंद्रमा की तरह कि एक साइड दिखता है, एक साइड छुपा रह जाता है। अस्मिता विमर्श उस छुपे हुए दिशा, छुपे हुए साइड को आलोक में लाने का काम करती है। तो अस्मिता विमर्श ने सदियों से उपेक्षित और शोषित समुदायों के जटिल जीवन यथार्थ की दास्तान को सामने लाने का प्रयास किया है, जिसे मुख्य धारा ने सदैव अनदेखा किया है। यानी कि मुख्य धारा ने, ऐसा नहीं है कि लोगों को जानकारी नहीं थी या ये हमेशा छुपे हुए ही रहते थे या इनकी समस्याएं कोई समस्याएं नहीं थी, मगर इनको हमेशा से अनदेखा किया गया। इन्हें इन्हीं इनकी समस्याओं को अगर सोचा भी गया तो बहुत गहराई से सोचा नहीं गया, इस पूरी तरह से इनकी समस्याओं को किसी भी रचना में प्रधानता नहीं दी गई। छिटपुट छोटे मोटे मिलते रहे मगर प्रधानता नहीं गई, प्रधानता नहीं दी गई। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो समस्याएं हैं वो सामने आई जरूर, क्योंकि वो समस्या समाज की समस्याएं थी ही, उन्हें हम नकार नहीं सकते थे, मगर उन्हें एक उन्हें प्रधानता नहीं दी गई थी। वो प्रधानता अस्मिता विमर्श के आने पर वह प्रधानता दी जाने लगी, उन समस्याओं को भी हाईलाइट किया जाने लगा, उन समस्याओं को भी मुख्य धारा में स्थान दिया गया। अस्मिता विमर्श आज के राजनैतिक सामाजिक दृश्य का सबसे अधिक मुखर और प्रमुख स्वर है। आज के राजनैतिक और सामाजिक दृश्य में सबसे जो आदिवासी साहित्य है, दलित साहित्य है, ये साहित्य आज के हमारे राजनैतिक, आज के मतलब मैं आज से करीब 30-40 साल का गैप को लेकर चल रही हूँ, क्योंकि साहित्य धीरे धीरे परिवर्तित होता है, करीब मतलब एक झटके में साहित्य नहीं बदलता है, साहित्य एक लंबा इतिहास लेके चलता है और उसकी प्रक्रिया सतत होती रहती है, निरंतर होती रहती है और ग्रेजुअली वो प्रक्रिया चलती है जो धीरे धीरे समझ में आती है। तो इन अस्मिता विमर्श हमारे राजनैतिक या सामाजिक दृश्यों से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और यह साहित्य ऐसा साहित्य है, ये काफी मुखर रहा है, काफी विद्रोहपूर्ण रहा है और यह साहित्य हमारे राजनैतिक परिप्रेक्ष्य को बदलने के लिए, या फिर यूं कहें तो हमारे सामाजिक परिप्रेक्ष्य को बदलने के लिए, समाज की चिंता भावनाओं को बदलने के लिए इस साहित्य का की रचना की गई है। तो
तो अस्मिता साहित्य का एक बहुत ही मुख्य बात ये है कि यह साहित्य, साहित्य में कहा जाता है, तुलसीदास जी ने कहा है कि स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा, तो स्वांत सुखाय यह साहित्य नहीं लिखा गया, अपने सुख के लिए यह साहित्य नहीं लिखा गया। इस साहित्य का मूल जो स्वर है वो है विद्रोह पैदा करना, जगाना, जागरूक पैदा करना और क्रांति पैदा करना है। यानी कि यह साहित्य आपको अपने होने का, अपने वजूद का पता देता है, और आपको एक समय लगने लगता है कि नहीं, हमारे हमारी तकलीफें भी तकलीफें हैं जिन्हें लोगों को समझ में आनी चाहिए। यह साहित्य स्वांतर सुखाय नहीं लिखा जाता है। इस साहित्य का उद्देश्य स्वांतर सुखाय से काफी ज्यादा वृहत होता है। ये समाज के विचारों को, समाज को, राजनीतिक दिशाओं को बदलने की क्षमता रखता है। इस साहित्य अस्मिता साहित्य इसीलिए काफी जोरदार साहित्य है, यानी कि काफी स्ट्रेंथ रखता है, काफी पावर रखता है। अस्मिता वो महज एक साहित्य नहीं है, बल्कि समाज समाज को बदलने का और राजनीति को बदलने की क्षमता रखता है। अब आते हैं अस्मिता साहित्य में कौन कौन से साहित्य को जोड़ा जा सकता है। तो इसमें सबसे मूल जो चीजें हैं, जो एक तरह से हम आराम से कह सकते हैं कि वो साहित्य, वो लोग, वो समुदाय जो हमेशा उपेक्षित रहे। अभी आपकी जानकारी में, अगर आपने अस्मिता साहित्य में कुछ भी पढ़ा है, तो इसमें मूल बात चर्चा होती है दलित साहित्य की, स्त्री साहित्य की और आदिवासी साहित्य की भी चर्चा होती है। इसके अलावा कुछ और साहित्य भी है। अभी क्लास होती तो मैं ये पूछती जरूर, मगर खैर यहाँ पे तो सिस्टम थोड़ा दूसरा है, तो कोई बात नहीं। कुछ और साहित्य भी है जिन पर जो अस्मिता विमर्श विमर्श में सम्मिलित है, और उसमें सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है थर्ड जेंडर साहित्य। थर्ड जेंडर साहित्य भी अस्मिता विमर्श का एक अंश है। इसके अलावा अल्पसंख्यक साहित्य, अल्पसंख्यक किसी भी समुदाय में जो समूह, ये जो जाति, जो धर्म या फिर जो एक वर्ग, अल्पसंख्यक के रूप में जिनकी संख्या अल्प है, जैसे पारसी साहित्य, या इस तरह से जो किसी भी एक देश में अल्पसंख्यक समुदाय है उनकी, उनका साहित्य, ये कुछ साहित्य है जो आपका अस्मिता विमर्श के अंदर आते हैं। यानी कि स्त्री, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और थर्ड जेंडर। थर्ड जेंडर भी एक ऐसा समुदाय है जिसका एक लंबे समय से, जिसको पूरी तरह से उपेक्षित किया गया है, पूरी तरह से उन्हें उन्हें नियमित रूप से, आज भी, इनफैक्ट आज भी उन्हें नियमित जीवन जीने का हक नहीं है, उन्हें नौकरी करने का हक नहीं है, और उन्हें एक तरह से देखा जाए तो भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें पढ़ने का भी उस तरह से हक नहीं है। तो वो एक समाज है, जबकि उन्होंने उस जीवन को खुद नहीं चुना है, वो जीवन उनपे लाद दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, आप समझ रहे होंगे कि अस्मिता साहित्य, अस्मिता विमर्श किस तरह से हिंदी साहित्य या कहें भारतीय साहित्य को बदलने की क्षमता रखती है। वो महज एक साहित्य नहीं है, एक समाज की पूरी की पूरी विचारधाराओं को बदलने की वह क्षमता रखती है, और काफी, इसीलिए काफी महत्वपूर्ण साहित्य माने, महत्वपूर्ण विमर्श माना जाता है। ये महज ही बातचीत करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मावलोकन करने का विमर्श। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे बोलने से तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। तो हम आपके सिलेबस में हम तीन साहित्यों पर बात करेंगे सर। सबसे पहले है आपका दलित साहित्य, उसके बाद स्त्री साहित्य, और अंत में आदिवासी साहित्य। इन तीन विमर्श पर हम बात करेंगे और इन तीनों पर हम चर्चा करेंगे। आपको कुछ भी सवाल पूछने हैं तो आप जरूर लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि उन सवालों का जवाब मैं क्लास के दौरान दे दूं। अगर नहीं मुझे कुछ पता है तो मैं थोड़ा समय लेकर मैं उसको ढूंढ के जरूर बताने का प्रयास करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें कुछ पूछना है तो मैं 1 मिनट टाइम देती हूँ, तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ।
मेरी कोई बात अगर नहीं समझ में आ रही है, रिपीट करना है तो मुझे मैसेज करिए चैट में, तो मैं उसे रीड करके मैं उस चीज को दोबारा रिपीट कर सकती हूँ। आगे बढ़ते हैं दलित साहित्य में। दलित साहित्य जो है वो दलित शब्द से बना है। दलित शब्द दल धातु से बना है। दल का अर्थ है, दलित शब्द का अर्थ है कि दबा हुआ, कुचला हुआ या रौंदा हुआ, यानी कि जिसको दबाया गया हो, कुचला गया हो, रौंदा गया हो, उसे हाशिए पर लाकर छोड़ दिया गया हो, वह और इसे इस शब्द का जो समाज में जिस उसका उपयोग होता है वह है समाज और साहित्य के लिए उसे शूद्र, अस्पृश्य, अंत्यज, अनार्य, हरिजन, अछूत जैसे शब्दों के लिए दलित शब्द का प्रयोग होता है। दलित साहित्यकारों ने छूत, अंत्यज, हरिजन, अनार्य इन शब्दों के बजाय दलित शब्दों का चयन इसलिए किया क्योंकि दलित इन शब्दों से जो नकारात्मकता फैलती थी, दलित शब्द वह नकारात्मकता नहीं फैलाती है अपितु वह अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने की एक प्रेरणा देती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने इस पे बहुत अच्छा कहा है कि नहीं, आप दलित साहित्य, दलित जो शब्द है वो आपके विद्रोह को एक स्वर देती है, आपको लगने लगता है कि इस अपनी इस समस्या से हमें आज उबरने की जरूरत है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का एक कोट है जो मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास कलम है या लिखने की सामग्री है तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा तो मैं बाद में आपको रिपीट कर दूंगी। दलित शब्द का अर्थ, दलित शब्द का अर्थ जाति बोधक नहीं बल्कि समूह की अभिव्यंजना देता है। यह जाति नहीं है, यह एक समूह है जो दबा जा रहा है, कुचला जा रहा है, जो भारतीय समाज में अस्पृश्य माना गया, दुर्गम पहाड़ियों जंगलों में जीवन यापन करने को बाध्य किया गया, या उबाध्य जनजातियों बेगार करते, कम मूल्यों पर श्रम करते श्रमिक, बंधुआ मजदूर, वर्ण व्यवस्था का अंत्यज जिसका आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक शोषण हुआ है, जो जन्मना अछूत है, वही दलित की परिधि में आता है। यानी कि ऐसे लोग जिनको जिनको जन्मना ही शोषित किया गया है और समाज की मुख्य धारा से काट दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय वर्ण व्यवस्था के अनुसार आपकी जो जाति है, जो वर्ण व्यवस्था है, जो चार भागों में बटी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वह चार वर्ण व्यवस्था जन्मना नहीं बल्कि कर्मणा उसे कहा जाता है, यानी वह जन्म से नहीं बल्कि कर्म से निर्धारित होती थी, परंतु धीरे धीरे समाज की कुव्यवस्था के कारण वह कर्म से नहीं बल्कि जन्म से मानी जाने लगी और एक व्यक्ति के जन्म लेते ही उसकी जाति तय कर दी गई और उसे उसी तरह से उसका व्यवहार किया गया। यानी कि उसमें माना गया कि अगर वो जन्म से ही शूद्र है तो वो कर्म से कितने भी ऊंचे काम कर ले मगर वो शूद्र ही रहेगा। इसी बात का विरोध दलित साहित्य करता है, यानी कि दलित साहित्य उन पीड़ाओं को, उन अनुभवों को पाठकों के समक्ष रखता है जो बिना उनकी किसी भी गलती से उन्हें सहनी पड़ी, जो बिना उनके किसी भी दोष से, उनके किसी भी कार्यों से वो प्रभावित नहीं हुए और उन्हें जन्मना उस चीज को सहने की आदत हो गई, जिसको धीरे धीरे उन्होंने अपने अपना अपनी नियति मान ली और उसको किसी का साउंड आ रहा है, अच्छा, अपनी नियति मान ली और अपना प्रारब्ध मान लिया और उसको उन्होंने बदलने का प्रयास करना भी छोड़ दिया। तो ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी खुद बनाने की क्षमता रखते थे उन्हें दूसरों की बेगारी करने के लिए मजबूर कर दिया गया और उनसे वो क्षमता छीन ली गई और उन्हें मजबूर किया गया कि वो दूसरों के भरोसे जिए, दूसरों का जूठन खाए या दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट बने और अपनी कोई पहचान ना बना सके, जबकि उस समूह में ये क्षमता थी। जैसे कि जनजाति लोग भी हैं जो अपनी संस्कृति लेके चलते हैं और उन्हें किसी भी बाहरी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, परंतु
उन्होंने उनके ऊपर शोषण, उन्हें शोषित करके उनके ऊपर कर लागू करके उन्हें मजबूर किया गया कि वे बेगारी के काम करें और शोषित हो, पीड़ित हो और अपनी पहचान भूल जाए, अपनी पहचान वो मानने लगे कि इस दुख भोगना मेरी नियति है। कई बार माफ कीजिएगा, कई बार उन्हें यह भी कहा गया कि जिस नियति को तुम भोग रहे हो, यानी कि अगर तुम शोषित हो रहे हो तो ये शोषण तुम्हारा, तुम्हारी नियति इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पिछले जन्मों का फल है ये, तो तुम पूर्व जन्म के फल भोगने का कह के भी उन्हें इसके लिए राजी करवाया गया और वो भी धीरे धीरे ये मानने लग गए कि पिछले जन्मों के पाप के कारण ही आज इस जन्म में उन्हें शोषित होना पड़ रहा है। तो दलित साहित्य इन्हीं बातों को उजागर करता है, ऐसे अनुभवों को उजागर करता है जो कहीं ना कहीं पाठक वर्ग जिस बारे में जानता है, पाठक वर्ग जिस बारे में समझता है, परंतु अनुभव अनुभव से हीन है। यानी कि जो रोजमर्रा की, रोजमर्रा का जो शोषण है, रोजमर्रा की जो छोटी छोटे मोटे अत्याचार है, जो धीरे धीरे एक व्यक्ति को मन से कितना तोड़ देते हैं, पाठक वर्ग इसको जानता जरूर था परंतु गहराई से उससे अवगत नहीं था। दलित साहित्य उन छोटी छोटी चीजों को आगे बढ़ाता है जिन्हें पाठक वर्ग या समाज जिन्हें सामान्य मान के स्वीकार करने लग गया था और उसे दिखाता है कि नहीं, ये गलत है और इस गलत का प्रतिकार होना चाहिए। दलित साहित्य महज एक साहित्य नहीं है बल्कि एक आंदोलन के रूप में है। साहित्य को या कहूं साहित्य थोड़ा बाद में ही आता है, आंदोलन पहले आता है, यानी कि आंदोलन से प्रभावित होकर ही लोग साहित्य रचना करते हैं और बाद में इस साहित्य ने दलित आंदोलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो दलित साहित्य, दलित आंदोलन सबसे पहले भारत से पहले विश्व इतिहास की अगर बात करें तो विश्व इतिहास में दलित आंदोलन 5वीं से 6वीं शताब्दी में ही धीरे धीरे शुरू हो गया था और विश्व इतिहास में सबसे पहली अगर जातिवादी वर्ण व्यवस्था पर किसी ने आवाज उठाई थी तो वो थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने अपने त्रिपिटक में इस बात पर ये किया, एम्फसाइज किया कि नहीं, धर्म सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने त्रिपिटक में पुरोहितवाद, यज्ञ हिंसा, जाति प्रथा को सिरे से नकार दिया। उन्होंने उसे पाखंड और कुरीतियों का नाम दिया और उन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए इन सब पाखंडों को करने की आवश्यकता नहीं है, आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है, आत्मा को स्वच्छ रखने की आवश्यकता है और उसी से मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। इसमें एक महात्मा बुद्ध के समय में ही 62 सूत्र में भी यह लिखा है कि न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मना वसलो होती, कम्मना होती ब्राह्मणों। यानी कि कोई जन्म से शूद्र नहीं होता और कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, आदमी कर्म से शूद्र होता है या कर्म से ही ब्राह्मण होता है। अगर व्यक्ति के मन में नकारात्मक भाव भरे हुए हैं तो वह कर्म से शूद्र है और अगर वह जन्मना भी अगर शूद्र परिवार में उसने जन्म लिया है परंतु कर्म से उसने सार्वभौमिकता या मोक्ष प्राप्ति की और वो आगे बढ़ गया है तो वह कर्मणा भी ब्राह्मण हो सकता है। हमारे हमारे साहित्य में भी, भारतीय साहित्य में भी इसके अशेष उदाहरण है हमारे पास। जैसे उसमें सबसे बड़े उदाहरण यही है कि रामायण और महाभारत, यानी कि वाल्मीकि और वेद व्यास दोनों ही जन्मना ब्राह्मण नहीं थे, वे कर्म से ही ऊंचे बने और कर्म से ही वे सर्वपूज्य माने जाते हैं। अब आते हैं धीरे अच्छा, एक और बात इसमें कहना चाहूंगी कि महात्मा बुद्ध के बाद भी धीरे धीरे हमारे पूरे साहित्य में ही कहीं ना छिटपुट हमें संत साहित्य, नाथ साहित्य, कबीरदास रैदास, आप जैसे जानते ही होंगे कबीरदास रैदास या उनकी पंक्तियों में भी हमें धीरे धीरे पाखंड के प्रति विरोध और जातिवादी व्यवस्था का के नकारने की बातें धीरे धीरे सामने आती है। हालांकि उन्होंने पाखंड का विरोध हर स्तर पे किया है और मगर
और जातिवादी व्यवस्था को उस तरह से सोच्चार नहीं किया है, मगर ये आपको हर जगह ये पूरे के पूरे साहित्य में आपको छिटपुट ये दिखेंगे। अब बारी अब आते हैं हम आधुनिक साहित्य के बारे में। आधुनिक साहित्य में दलित आंदोलन, दलित साहित्य शुरू होता है दलित आंदोलन से, और वह शुरू होता है आपका महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में दलित पैंथर करके एक कम्युनिटी की, एक समूह की स्थापना होती है, एक संस्था की स्थापना होती है, दलित पैंथर सन 1972 में। ये कहाँ से आता है? यह आता है आपका ब्लैक पैंथर, जो आपका अफ्रीका के, अफ्रीका का आंदोलन था, अफ्रीका के जन आंदोलन ब्लैक पैंथर से यह प्रभावित होता है। ब्लैक पैंथर मूलतः आपका अफ्रीकी जो नेटिव थे, अफ्रीकी जो वहां के मूल निवासी थे, उनका जो उनके ऊपर जो वर्ण शोषण हो रहे थे, वर्ण विद्वेष हो रहे थे उनके प्रति, आपको भी इस बारे में जरूर जानकारी होगी कि काले या निग्रो उन लोगों के ऊपर भी वर्ण विद्वेष हो रहे थे, उसके विरोध में ब्लैक पैंथर करके जो आंदोलन हुआ आंदोलन हुआ, वो उसका वो दलित पैंथर उसी से प्रभावित होके महाराष्ट्र में शुरू होता है। महाराष्ट्र में मुंबई में नामदेव ढसाल जी और जी वी पवार, ये दोनों लोगों ने दलित पैंथर की शुरुआत की, और धीरे धीरे मराठी साहित्य में दलित पैंथर का प्रभाव दिखने लगा। कालांतर में दूसरे भी इसमें जुड़े, और ये काफी एक बड़ा आंदोलन के रूप में, बड़े आंदोलन के रूप में ये धीरे धीरे प्रकट हुआ, जिसमें राजा ढाले या अरुण कांबले जी, ये ऐसे समाज सेवियों का नाम भी सम्मिलित है। इनसे इनसे धीरे इनसे ये इनसे प्रभावित होकर हमारे हिंदी साहित्य में भी दलित साहित्य, दलित पैंथर करके जो आंदोलन है वो धीरे धीरे आया, और लोग इस बारे में सोचने लगे कि, और इस बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया। सबसे पहले हमला इसमें बोला गया मनुस्मृति पर। मनुस्मृति में एक कोटेशन है, जिसमें मनुस्मृति में ये श्लोक है कि ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानम क्षत्रस्य रक्षणम वैश्यस्य तपो वार्ता तपा शूद्रस्य सेवनम। यानी कि ब्राह्मण का तप है ज्ञान, क्षत्रस्य रक्षणम क्षत्रिय की रक्षा है, वैश्यस्य तपोवार्ता वैश्यस्य की वार्ता यानी कि जो व्यवसाय आपका उसका तप है, और शूद्र का तप है कि वो इन तीनों समूहों की सेवा करना ही शूद्र का तप है। इस पर हमला बोला गया और इस कहा गया, और उन्होंने मनुस्मृति को सिरे से खारिज कर दिया। तो हिंदी साहित्य में दलित साहित्य का प्रारंभ सबसे पहले कहा जाए तो दलित पैंथर से भी पहले जो छिटपुट शुरू हुआ था वो था आपका 1914 में सरस्वती पत्रिका में छपी हीरा डोम की एक अछूत की शिकायत कविता से माना जाता है। यह कविता अछूत की शिकायत अमानुषिक वैमनस्य के बारे में ईश्वर से शिकायत करना है, और उसका विरोध भी करता है कि नहीं, मैंने ऐसा किया क्या है कि मुझे मेरे ऊपर इस प्रकार की अमानुषिक शोषण हो रहे हैं और इस प्रकार का वैमनस्य मुझे सहन करना पड़ रहा है। यहां से ही ईश्वर की सत्ता का नकार शुरू होता है, और मगर इसके बाद दलित साहित्य में कुछ खास रचनाएं होती नहीं है, हालांकि प्रेमचंद या अन्य रचनाकारों के छिटपुट रचनाओं में, जैसे निराला की रचनाओं में चतुरी चमार या वह तोड़ती पत्थर, इसके अलावा अलग अलग रचनाओं में आपको छिटपुट दलित साहित्य दिखाई देगा, परंतु जो आप एक प्रॉपर दलित साहित्य है कि एक पूरी की पूरी रचना दलितों के जीवन पर ही लिखी जाए, उस तरह की रचना आपको कम ही मिलती है। और ये बीच में एक गैप आता है, मगर 80 के दशक में हिंदी साहित्य में दलित विमर्श धमाके के साथ फिर से शुरू होता है, दलित साहित्य पूरी तरह से शुरू हो जाता है, और इसमें अलग अलग साहित्यकार जुड़ते हैं, और उन्होंने वे इस बारे में बातें करने लगते हैं। तो दलित साहित्य में सबसे पहले जिन लोगों का नाम हम ले सकते हैं, जो मुख्य रूप से दलित साहित्य से जुड़े हुए हैं, उनमें आपका, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ सर।
हाँ, तो दलित साहित्य में जो मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम आता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी रचना जूठन से दलित साहित्य को एक दूसरे ही लेवल पर वो लेकर चले गए और दूसरे ही जो स्तर पर लेकर चले गए, यानी कि लोगों ने दलित साहित्य पर गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। तो ओम प्रकाश दलित साहित्य में जूठन ने अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। इस पुस्तक ने दलित गैर दलित पाठकों और आलोचकों के बीच में जो लोकप्रियता अर्जित की है वह उल्लेखनीय है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, यानी कि वह खुद अपने जीवन में इस अनुभवों से गुजरते हैं और उन्होंने अपने अनुभवों को यहाँ पे लिपिबद्ध किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी दलितों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, जूठन उसे गंभीरता से उठाती है और पाठकों के अंतर मन को झकझोर देती है। इसमें जो भाषा प्रयुक्त भाषा है वो काफी चोट पहुंचाने वाली है और काफी झकझोरने वाली भाषा है। कुछ भी अप्रत्यक्ष रूप से नहीं लिखा गया है, एकदम से सटीक सवालों को खरा खरा इस आत्मकथा में कहा गया है। इस आत्मकथा में भारतीय जीवन में रची बसी जाति व्यवस्था के सवालों को गहरे सरोकारों के साथ उठाया गया है। दलितों की वेदना और उसके संघर्ष को पाठक की संवेदना से जुड़कर मानवीय संवेदना को इस पाठक में जगा इस आत्मकथा में जगाने की कोशिश की गई है और इसलिए यह आत्मकथा जूठन बहुत ही लोकप्रिय रही है, बहुत ही पॉपुलर रही है और अलग करीब 15 से 16 भाषाओं में इसका अनुवाद भी हुआ है। कहा जा सकता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन के लिए ही बहुत प्रचलित हुए, हालांकि इसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, मगर जूठन उनका सबसे आइकॉनिक एक रचना है वो माना जाता है। इसके अलावा तुलसीराम एक लेखक है, उन्होंने भी आत्मकथा लिखी है मुर्दहिया। मुर्दहिया पूर्वी उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अंचल में जूझते एक दलित की कहानी है। जूठन जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणवादी और सामंती मानसिकता के उत्पीड़न की अभिव्यक्ति थी और मुर्दहिया पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल की अभिव्यक्ति है। इसमें सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक विसंगतियां कदम कदम पर दलित का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है और उसके अंदर हीनता बोध पैदा करने की षड्यंत्र रचती है। उसे ये लगने लगता है कि उसका जन्म ही समाज में हीन बने रहने के लिए हुआ है और और वो किसी तरह से सम्मान के योग्य नहीं है। मगर मुर्दहिया एक बहुत ही सकारात्मक रचना है कि दलित संघर्ष करते हुए इसमें तमाम विसंगतियों को पार करके आत्मविश्वास के बल पर आगे आता है और जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में विदेशी भाषा का विद्वान बनता है। तो मुर्दहिया एक काफी आशा आशा का संदेश लेकर चलने वाली आत्मकथा है। जैसे कि जूठन काफी हताश हताश करती है और समाज का एक पूरा चित्र दिखाती है, मुर्दहिया उसमें आशा का संदेश भी रखती है। इसके अलावा काफी प्रचलित रचनाओं में से 25 चौका 150, ये भी ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है। इस 25 चौका 150 उनके पिताजी की कहानी है दरअसल, कि पिताजी जब ये आपका ऋण लगा नहीं आपका जो साहूकार का ऋण जब उतारने जाते हैं तब उन्हें कहा जाता है कि आपने 25 रुपया लिया था और 4 महीने का आपका ब्याज समेत 25 चौका 150 होता है। तो क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे और वो साहूकार की बात मान लेते हैं और वे मानते हैं कि नहीं, चौधरी 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 की ठाकुर कोई था, मुझे थोड़ा याद नहीं है। 25 चौका 150, अच्छा क्या बात हो गई, नहीं, पता तो है मेरे को तो अभिषेक जी, धन्यवाद। हाँ, तो 25 चौका 150, 25 चौका 150, तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ ठाकुर करके थे, ठाकुर थे ये चौधरी थे, मुझे थोड़ा सा ध्यान से निकल रहा है मेरे। तो 25 चौका 150 में वे कहते हैं कि नहीं, 25 चौका 150 होते और उनके पिताजी वो मान लेते हैं।
तो मान लिए अब वो अपने उनका छोटा बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, क्योंकि उन्होंने कभी विद्या नहीं अर्जित की, तो वो उस बच्चे को बताते हैं कि वो पढ़ रहा है 2400, तो कहते नहीं बेटे 2500 होता है क्योंकि मैं ठाकुर को यही पैसा देता हूँ। बच्चे को ये समझने में एक अच्छा खासा समय लगता है, वो बड़ा हो जाता है, बच्चे को ये समझने में समय लगता है कि इस महज एक छोटे से 2500 150 में एक कितना बड़ा शोषण छुपा हुआ है, कितना और किस तरह से अनपढ़ एक अज्ञानता का फायदा उठाकर साहूकार हमसे लूटता जा रहा है, और उसके पिताजी उसे सम्मानजनक स्थान पर बैठाए रखते हैं। बाद में जब वो बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होकर जब वो पिताजी पिताजी के पास जाता है, वो 25-25 के 100 रुपयों के सिक्के पिताजी के सामने रखता है और कहता है कि पिताजी इसको गिनिए, 25 चार बार रखा है मैंने, कितने होते हैं। उसके पिताजी हतप्रभ होकर गिनते हैं और एकदम हैरान रह जाते हैं कि 25 चौका 100 होता है। तो एक बहुत ही छोटी बात है ये, इसी तरह की छोटी बातों को हमें उजागर किया गया, जैसा मैंने पहले कहा था। तो पिताजी एकदम हैरान हो जाते हैं कि नहीं, 2500 का तो 100 होते हैं, यानी कि उनके इतने दिनों के जो विश्वास था कि बड़े बड़ी जाति के लोग, जो बड़े लोग हैं, वो बड़प्पन रखते हैं, वो हमारा लालन पालन करते हैं और हम उनकी सेवा करने के लिए बने हैं, और उन्हें जो उनको जिन्होंने एक ऊंचे आसन पर रखा था, वो अचानक से वो महल ढहता हुआ उनको प्रतीत होता है, जब उन्हें लगता है कि आज तक वो इसी तरह से अपने अज्ञानता के कारण ठगे गए थे। तो 2500 चौका 150, ये भी काफी इनकी बहुत फेमस रचना है, 2500 चौका 150। इसी तरह तो एक अशिक्षित दलित का शोषण होते हुए दिया जाता है। इसके अलावा कविता की तरफ अगर हम चले, उपन्यास और कहानी हो गई, कविता की तरफ चले, आजकल आपने भी काफी सुना होगा, अभी हाल ही में एक बहुत बड़े अभिनेता इरफान खान का देहावसान होता है, तो उन्होंने ठाकुर का कुआं, उनकी एक कविता है जिन्होंने शायद उन्होंने जयपुर के लिटरेचर फेस्टिवल में उसको पढ़ के सुनाया था, वो कविता भी दलित साहित्य की काफी प्रतिनिधि रचनाओं में मानी जाती है, जिसमें चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की और तालाब ठाकुर का। तो ठाकुर का कुआ कविता, ठाकुर का कुआ कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का लिखा हुआ है। तो उसमें यही है कि भले ही बेस पे यानी गहराई में हर कोई काम हम ही कर रहे, अगर घड़ा भी बन रहा है तो वो कुम्हार बना रहा है, मगर उसके बाद उस घड़े को छूने का हक कुम्हार का नहीं है, पानी लेने का हक कुम्हार का नहीं है। तो वही है कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, दलित के घर की एक एक चीज पर ठाकुर का हक रहता है, यानी अगर चूल्हा भी उसके घर में बन रहा है तो तालाब ठाकुर का है, पानी भी पीना है तो कुआं ठाकुर का है। तो उनसे जीवन जीने की जो मेन बात है, जीवन जीने की जो मुख्य शर्तें हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की जितनी शर्तें हैं, यानी अगर तालाब उन्हें मिल गया तो उन्हें पानी के लिए ठाकुर का मुंह देखना ना पड़ेगा, तो इसीलिए तालाब ठाकुर का। तो ये एक बहुत ही चोट करती हुई रचना है, तो ये काफी प्रतिनिधि रचना मानी जाती है। मैं थोड़ा जल्दी बढ़ाती हूँ क्योंकि मुझे स्त्री साहित्य में बात करना है और समय ज्यादा नहीं है। चलिए, इसके अलावा मलखान सिंह की सुनो ब्राह्मण कविता, वो भी काफी रचना है कि सुनो ब्राह्मण, हमारी दास्ता का सफर तुम्हारे जन्म से शुरू होता है और इसका अंत भी तुम्हारे अंत के साथ होगा। तो इसी तरह फिर काफी बड़े लेखक रहे हैं, जयप्रकाश कर्दम जी, उनकी कविता है, उनकी कहानी है नो नो बार, नो बार यानी कि नो बार, नो बार यानी कि आपका जो, आपने भी देखा होगा मैरिज के जो वैवाहिक जो कॉलम आते हैं उसमें लिखा जाता है कास्ट नो बार, तो उससे उन्होंने लिया है कि भले ही उसको कास्ट नो बार लिखा जाता है, परंतु वैवाहिक विज्ञापन जाति बंधन नहीं, मगर इसमें भी एक छिपा एजेंडा होता है, ये एक दलित के लिए ये शर्त लागू नहीं होती, मतलब दलित तो इसमें स्वीकार्य नहीं होता है। ये कहानी इसी समस्या को केंद्र में रखकर सामाजिक जीवन में रची बसी जाति वैमनस्य की भावना को अभिव्यक्त करती है। इसी तरह दोहरा अभिशाप कौल्या वैसंत्री की है, शिकंजे का दर्द एक आत्मकथा सुशीला टागभोरे की रचना है। इस तरह से बहुत सारी रचना दलित साहित्य में कही जाती है।
चलिए, हम दलित साहित्य को इसी के साथ हम खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं स्त्री साहित्य में, क्योंकि समय नहीं है। और दलित साहित्य वाकई में काफी एक बड़ा काम अभी अभी के तिथि में कर चुकी है। छप्पर है, बहुत सारी कहानियां हैं, तो अगर इसमें कहा जाए तो बहुत सारी बातें हैं, मगर समय हमारे पास लिमिटेड है, तो मैं थोड़ा जल्दी करती हूँ। इस बारे में किसी को कुछ पूछना है? मैं 1 मिनट थोड़ा समय लेती हूँ। चलिए, मैं स्त्री साहित्य पे बात करती हूँ। स्त्री साहित्य कोई बहुत नई साहित्य नहीं है। हालांकि स्त्रियों पर अलग-अलग लोगों ने, अलग-अलग रचनाकारों ने अपने हिसाब से लिखा, काफी लिखा है, मगर उसे स्त्री विमर्श की कोटि में पूरी तरह से नहीं लाया जा सकता है। जिस तरह से प्रसाद की अभी मैं सुबह ही बात कर रही थी कि अबला तुम्हारी हाय यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, तो इस तरह से। मगर स्त्री विमर्श उसे कहा जाता है जिसमें स्त्री अस्मिता को केंद्र में रखकर संगठित रूप से स्त्री साहित्य की रचना की गई। यानी कि स्त्री की जो पहचान है, उस पहचान को केंद्र में रखकर उसकी रचना की गई है। स्त्री विमर्श अन्य अस्मिता विमर्श के बाद ही मुख्य विमर्श है, मगर ये लिंग विमर्श पर आधारित है। यानी कि ये जाति विमर्श पर नहीं है, ये लिंग विमर्श है। इसे अंग्रेजी में फेमिनिज्म कहा गया है, और हिंदी में इसे शुरू शुरू में नारीवाद या मातृसत्तात्मक शब्दों से भी इसे अभिहित किया गया। बाद में स्त्री विमर्श पूरी तरह से रूढ़ होता है। तो स्त्री साहित्य में का उद्देश्य लैंगिक असमानता की प्रकृति और उसके कारणों को समझना, और उसके फलस्वरूप पैदा होने वाले लैंगिक भेदभाव की राजनीति, और शक्ति संतुलन, यानी कि शक्ति किसके हाथ में है, किसको निर्णय लेने का अधिकार है, उस शक्ति संतुलन के सिद्धांतों पर इसके असर की व्याख्या करना है। स्त्री विमर्श के अंदर काफी ज्वलंत मुद्दे उठाए जाते हैं, ऐसे मुद्दे जो समाज को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। इनमें घरेलू हिंसा या प्रजनन संबंधी अधिकार, मातृत्व अवकाश, समान वेतन संबंधी अधिकार, यौन उत्पीड़न, भेदभाव, यौन हिंसा, ये सारी ज्वलंत समस्याएं हैं जो अभी तक पूरी तरह से प्रासंगिक है। इन समस्याओं पर स्त्री विमर्श बात करता है। स्त्री विमर्श के आदर्श का मूल तथ्य ये है कि कानूनी अधिकारों का आधार लिंग न बने। हर चीज पर, मतलब लिंग के आधार पर किसी कोई अधिकार हमें ना प्राप्त हो। हमें कुछ अधिकारों से वंचित सिर्फ इसलिए ना किया जाए क्योंकि हम किसी लिंग विशेष से संबंध रखते हैं। लिंग को अधिकारों का आधार ना बनाया जाए। तो स्त्री विमर्श पर अगर बात की जाए, तो स्त्री विमर्श पर विश्व साहित्य से अगर शुरुआत करें, तो स्त्री विमर्श जो है उसका प्रारंभ होता है सेमोन द बुवा, एक लेखक है, फ्रांसीसी लेखक, उनकी रचना है द सेकेंड सेक्स। सेकेंड सेक्स यानी कि दूसरा लिंग। पहला लिंग हमेशा पुरुष रहा है, आदमी रहा है, और दूसरा लिंग जिस पर कभी बात नहीं होती, ये 1949 की रचना है। तो सिमोन द बुवा की द सेकेंड, ये काफी प्रचलित है, और इसमें 100 से ऊपर भाषाओं में इनका अनुवाद किया गया है। तो वहां से शुरुआत होती है, और मैरी की थिंकिंग अबाउट वुमेन ये 1970 में निकली थी, इसके इससे भी स्त्री विमर्श की शुरुआत होती है। परंतु इसमें धीरे ज्यादातर बात उस समय नहीं हुई, और हाल में उसमें बहुत सारे, और मतलब शताब्दी के अंतिम दशकों में ये स्त्री विमर्श काफी जोर पकड़ता है। उसमें अलग अलग जूलिया क्रिस्टिलवा, हेलेन सिक्सस या एलिन मोर्स, इस टाइप के एंजेलिना कार्टर या मैरी जेकोबर्स, इस टाइप के कुछ लेखिकाएं जुड़ते हैं, और अनेक नारीवादी लेखिका उनकी पुस्तकें प्रकाशित होती है। हिंदी में करीब 20वीं शताब्दी के अंत में स्त्री विमर्श ने जोर पकड़ा, और इसमें प्रभा खेतान का नाम बहुत जोर शोर से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने स्त्री विमर्श पर आलोचनात्मक किताबें भी काफी लिखी हैं।
इसके अलावा उषा महाजन, जिन्होंने बाधाओं के बावजूद नई औरत, या आशा रानी वोरा या स्त्री सरोकार लिखा है, या फिर हम सभ्य औरतें जो मनीषा ने लिखा है 2002 में। और सबसे प्रमुख पुस्तक इसमें जो लिखी गई है वो है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, जो सुमन राजे ने 2003 में लिखा था। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, यानी सुमन राजे जी ये मानती हैं कि हिंदी साहित्य में जो भी इतिहास अब तक लिखा गया वो पूरा इतिहास नहीं था, आधा इतिहास लिखा गया और आधा को छोड़ दिया गया। तो उस आधे इतिहास का वर्णन सुमन राजे अपने हिंदी साहित्य के आधा इतिहास में करती है। इसमें महिला कहानीकारों और नारी मुक्ति, नारी चेतना से संबंधित किताबों का उन्होंने ब्यौरा दिया है। इसके अलावा औरत के लिए औरत, नासिरा शर्मा, या उपनिवेश में स्त्री, या स्त्री उपेक्षिता की भूमिका जो प्रभा खेतान ने लिखी है, इन किताबों का भी वर्णन किया जा सकता है। प्रभा खेतान में ने स्त्री उपेक्षिता की भूमिका में स्त्री विमर्श की मूल चेतना को व्यक्त किया है। तो वो उन्होंने कहा है कि स्त्री अमीर हो या गरीब, श्वेत हो या काली, उसकी लड़ाई अपनी है और उसे खुद ही लड़नी पड़ेगी। ये दुनिया पुरुषों ने बनाई है, पर स्त्री से पूछकर नहीं। फ्रांस की राज्य क्रांति हो या विश्व युद्ध, स्त्री से पुरुष सहारा लेता है और उसे पुनः घर लौट जाने को कहता है। वह सदियों से ठगी गई है। यदि उसने कुछ स्वतंत्रता हासिल भी की है तो उतनी ही जितनी पुरुष ने सुविधा के लिए उसे देना। तो इस ये पूरे पूरे जो नारी विमर्श है उसपे चोट करती, उसका संदेश देती हुई ये बात है कि स्त्री को अगर कभी कुछ हक मिले भी हैं तो वो इसलिए मिले हैं क्योंकि पुरुष को लगा है कि स्त्री को ये हक दिया जाना चाहिए। चाहे सती प्रथा हो या कोई भी बाल विवाह हो, उसकी जो आगाज है वो किसी पुरुष ने ही की है, और आज तक स्त्री को हक पुरुष के वजह से ही मिले हैं। और आज अब वो समय आ गया है कि स्त्री स्वयं अपने हक के लिए लड़े, अब स्वयं अपनी बात करे और अपने विचारों को व्यक्त करे। तो इस तरह से भारतीय नारीवादी आंदोलन की तो बात कर ली। इसमें स्त्री विमर्श में एक और बहुत ही महत्व, स्त्री विमर्श और दलित विमर्श दोनों में एक महत्वपूर्ण आंदोलन अगर कहा जाए तो सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले का नाम जरूर आता है। सावित्रीबाई फूले ने स्त्रियों के सुधार के लिए महिला सेवा मंडल की स्थापना की थी। फूले दंपत्ति ने करीब 18 पाठशालाएं खोली थी। उन पाठशालाओं का प्रबंध सावित्रीबाई ही किया करती थी। उन्होंने उन पाठशालाओं का पाठ्यक्रम बनाया और उसे कार्यान्वित भी किया था। प्रारंभ में उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा था, उनके ऊपर कीचड़ उछाले जाते थे, गोबर उछाला जाता था, परंतु बाद में धीरे धीरे लोग स्त्री शिक्षा का महत्व समझने लगे और कन्याशालाएं अधिक से अधिक संख्या में खुलने लगी। धीरे धीरे ज्योतिबाराव फुले ने रात्रि पाठशाला भी खोली और रात्रि पाठशाला में किसान और मजदूर की गृहिणियां पढ़ने आती थी। ज्योतिराव फूले का मानना था कि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं हो जाती तब तक सच्चे अर्थों में समाज शिक्षित नहीं हो सकता। तो स्त्री साहित्य में इन सब का सोच्चार हुआ है और इसी तरह अलग अलग स्त्री लेखिकाओं ने अपनी अपने लेखन में इस साहित्य का वर्णन किया है। स्त्री साहित्य और कुछ नहीं है बल्कि स्त्रियों को एक समान अधिकार देने का और स्त्रियों समान वेतन का, या ऐसी ऐसी भी है कि समाज के लिए या अपने परिवार के लिए जो कुर्बानियां कर रही है स्त्री, उसको समाज के सामने लाने का, जिनको अब तक भारतीय समाज, शायद अब भी है कि भारतीय समाज उसे एक सामान्य रूप से ग्रहण करने की, कि वह स्त्री का काम ही है। त्याग स्त्री का, एक तरह से देखा जाए तो नारी का त्याग, त्याग नारी का सबसे बड़ा गहना माना गया और त्याग उसकी नियति मान लिया गया, उसकी प्रकृति मान लिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। वो भी हार मांस से बनी एक व्यक्ति है जिसका जिसकी अपनी आकांक्षाएं हैं, अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी इच्छाएं हैं। तो त्याग उसका उसकी नियति नहीं है और स्त्री साहित्य इसी का विरोध करता है और स्त्री साहित्य नारी को एक अस्मिता प्रदान करने का प्रयास करता है। स्त्री साहित्य में काफी आलोचनाएं भी हुई हैं, जिसमें प्रभा खेतान की हमने बात कर ली, इसमें प्रभा खेतान का बात कर ली, अल्बेयर कामू का पहला आदमी,
या उपनिवेश में स्त्री की तो मैंने खाली बात भी कर दी, इसके अलावा अनामिका की स्त्रीत्व का मानचित्र या उत्तर गाथा, नासिरा शर्मा की औरत के लिए औरत, इसकी मैंने बात कर ली, या ममता कालिया की खाटी घरेलू औरत, या इलीना सेन की संघर्ष के बीच, ये कुछ रचनाएं हैं जो स्त्री साहित्य को बहुत मतलब अच्छे तरह से दर्शाती है, पाठकों के समक्ष ला खड़ा करती है। इसके अलावा उषा प्रियमदा की कुछ रचनाएं हैं जो प्रवासी स्त्री को जागृत करती है, तथा ये आपकी मन्नू भंडारी की रचना आपका भट्टी, भले वो एक बाल बच्चे की दृष्टि से लिखा गया है, मगर वहां पे भी वह दर्शाती है कि स्त्री जब वो माँ बन जाती है तब बच्चे की जिम्मेदारी अकेले की होती है, और उसको यह चुनना काफी उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो अपने जीवन की महत्वाकांक्षाएं चुने या अपने बच्चे के बारे में सोचे, जबकि पुरुष के लिए ये उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है, वो आराम से जाके अपनी अपना जीवन जीने का प्रयास करता है। इसके अलावा उषा प्रेमदा की रुको भी नहीं राधिका, या 55 खंभे लाल दीवारे, इस टाइप की, और शिवानी की कृष्ण कली या 14 फेरे, ऐसी कुछ रचनाएं हैं जो स्त्री साहित्य पर लिखी जा सकती है। इस बारे में किसी को कोई पूछना है? चलिए फिर हम आदिवासी साहित्य की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि स्त्री साहित्य पर यूं ही ऐसे भी स्त्री साहित्य पर काफी बातें हो चुकी हैं और स्त्री साहित्य काफी वास्ट भी है। आदिवासी साहित्य की बात करते हैं। आदिवासी साहित्य को कई बार दलित साहित्य के साथ जोड़ा जाता है और माना जाता है कि दलित आदिवासी साहित्य की आवश्यकता नहीं है, वह दलित साहित्य का ही एक अंग है, जबकि आदिवासी साहित्य की कुछ कथ्य हैं जो दलित साहित्य से पूरी तरह से अलग है। आदिवासी साहित्य अपने अपने साथ अपनी पूरे समूह की पहचान लेके चलता है। दलित साहित्य में ज्यादातर आत्मकथाएं लिखी गई हैं, आत्मविश्लेषण या वो आत्मपरक रहता है ज्यादातर, मगर आदिवासी साहित्य में ऐसा नहीं है। आदिवासी साहित्य अपने साथ अपनी पूरी संस्कृति लेके चलता है, अपनी पूरी परंपरा लेके चलता है, क्योंकि आदिवासी संस्कृति आर्यन संस्कृति से काफी अलग रही है, उनकी भाषा अलग है, उनकी संस्कृति, उनके मेल मिला सब कुछ बहुत ही ज्यादा अलग रहे हैं, तो इसीलिए आदिवासी साहित्य दलित साहित्य से अलग है, उनके संघर्ष अलग है, उनके विद्रोह अलग है। दलित साहित्य जातिवादी भेदभाव जो सदियों से चले आ रहे हैं उसके ऊपर है, मगर आदिवासी साहित्य का मूल आदिवासी साहित्य में जो क्रांति या विद्रोह दिखाया गया है वो मूल रूप से औपनिवेशिक ये जो समस्या के खिलाफ है, उनको उनकी जमीन या जर जमीन से अलग कर देने की बात है। तो ये एक ऐसा विमर्श है जिसे एक संप्रदाय की परंपरा, रूढ़ियां, संस्कृति, अन्याय, अत्याचार, अपमान, शोषण आदि सभी अभिव्यक्त होते हैं। आदिवासी साहित्य की एक और जो विशेषता है कि उसमें उनकी लोक कला, संगीत, नृत्य, संस्कृति, भाषा, बोली, लिपि आदि विभिन्न धरातलों पर उस पर विमर्श होता है। ऐसी उनकी परंपराएं, उनकी बोलियां, उनकी संस्कृति, उनके उत्सव, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आज भी पाठकों का एक बड़ा वर्ग उससे पूरी तरह से अनभिज्ञ है। तो आदिवासी समस्या, आदिवासी विमर्श आपके लिए वो रास्ते खोलता है, वो एस्पेक्ट खोलता है कि उस पर चर्चा की जा सके। आदिवासी विमर्श पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर चर्चा होनी अभी भी बाकी है, क्योंकि लिपि और भाषा को लंबे अरसे तक पहचान ही नहीं मिल पाई, इसलिए इसका संरक्षण और विकास भी बाधित होता है। यानी कि इसको लिपिबद्ध आदिवासी साहित्य मूलतः मौखिक ही चलता रहा, इसे पूरी तरह से लिपिबद्ध नहीं किया जा पाया एक समय तक, इसीलिए
एक बहुत आदिवासी साहित्य एक बहुत बड़ा अवसर देता है कि उनकी लोक कलाओं को, उनकी उनकी परंपरा, उनके इतिहास और उनके संघर्षों को पाठकों के समक्ष लाया जाए, और इस पर अभी भी वर्तमान काल में भी इस पे बहुत सारा काम करना बाकी है। आदिवासी साहित्य उनकी शुरुआत अभी हुई है, इस पे बहुत सारा काम करना अभी बाकी है। ये पूरी तरह से एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, इस पे काम करना आवश्यक है। आदिवासी उपन्यास में सबसे पहले आदिवासी समाज का उल्लेख अगर हम माने तो इसका उल्लेख पाया जाता है फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास मैलाअचल में, जहां अपने जमीनी हक से बेदखल संथालों ने अपने स्वत्व और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। लेकिन आदिवासी समाज के प्रति पूरी सहानुभूति के बावजूद यह संघर्ष अपनी तार्किक परिणति तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए उनके जीवन में बदलाव लाने में असमर्थ रहता है। तो यहाँ पे हमें हम पाते हैं कि यहाँ पे हम पाते हैं कि जो आदिवासी समस्या है, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही देखने में, आई थिंक नहीं, चलिए। आदिवासी जो समस्या है वो सबसे पहले फणीश्वरनाथ रेणु के मैलाअचल पर, हालांकि वो पूरी तरह से आदिवासी विमर्श पर केंद्रित नहीं थी, और उसका एक उसकी एक झलक हमें मिलती है। हिंदी में सबसे पहले आदिवासी रचना विषय पर काफी मत है। एक मत ये मानता है कि मुंडा आदिवासी समुदाय के मेन्नस ओड़े भारत के पहले आदिवासी उपन्यासकार है। मुंडा आदिवासी समुदाय में मेन्नस ओड़े, उन्होंने एक उपन्यास लिखा, उसका नाम था मथुरा कहानी, जो प्राचीन मुंडारिया भाषा में 1920 के आसपास मेन्नस ने लिखा था। और करीब मगर क्योंकि आदिवासी साहित्य को उस तरह से क्या कहूँ, लिपिबद्ध नहीं किया जा पा रहा था, उस तरह से साहित्य में नहीं शामिल किया जा रहा था, इसीलिए इसका प्रकाशन करीब 60 साल बाद 1984 में होता है। करीब 17 पृष्ठों का ये उपन्यास 5 भागों में लिखा गया है, और ये आदिवासी काफी लोग इसे आदिवासी साहित्य की पहली रचना के रूप में मानते हैं, क्योंकि 1920 में लिखा गया था। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका के संकलनकर्ता फादर हॉफमैन के मेन्नस ओड़े स्टेनोग्राफर थे। वहां से उन्होंने स्टेनोग्राफी सीखी, और मुंडा भाषा संस्कृति को करीब 5,000 पेजों की इस एनसाइक्लोपीडिया की सामग्री मेन्नस ने ही टंकित की थी। इसे टाइप करते हुए उनके मन में विचार आया था कि क्यों नहीं ऐसी रचना करूं जिसे आम लोग भी, मुंडा समुदाय और उसकी संस्कृति को सरलता से जान सके। ये 2 भागों में इसका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित है, मगर अन्य भागों में इसका अनुवाद नहीं हो सका है। साहित्य की अन्य विधाओं की तरह आदिवासी साहित्य में भी बंगला साहित्य का काफी प्रभाव रहा है। बंगला साहित्य से ही हिंदी साहित्य को एक धारा मिली है, एक सोचने की दिशा मिली है। श्वेता देवी की 1084 की माँ, जिस पर मैंने पिछले एक क्लास में चर्चा की थी, तथा अन्य उपन्यासों में एक सशक्त और प्रभावी हस्तक्षेप से हिंदी साहित्य जगत को नक्सलवाद, बिरसा मुंडा और आदिवासी जीवन से भी परिचय करवाती है। 8वें दशक में वाल्टर भेंगरा ने झारखंड अंचल और वहां के जीवन को केंद्र में रखते हुए उपन्यास लिखा था। उसका नाम था सुबह की शाम, जिसे ज्यादातर लोग आदिवासी साहित्य का पहला मुद्रित उपन्यास मानते हैं। मेन्नस की उपन्यास, ध्यान रखिएगा, 1984 में छपी थी, जबकि आदिवासी साहित्य का, इसीलिए आदिवासी साहित्य का पहला उपन्यास वाल्टर भेंगरा की सुबह की शाम माना जाता है। इसके साथ वाल्टर भेंगरा की अन्य 3 उपन्यास तलाश, गैंग लीडर और कच्ची कली या पीटर पॉल एक्का की मौन घाटी भी इसी क्रम में सम्मिलित होती है। तो आदिवासी उपन्यास में वाल्टर भेंगरा का नाम सबसे पहले लिया जाता है, जो आपकी सुबह की शाम उपन्यास, उसे आदिवासी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। पीटर पाल एक्का का जंगल के गीत भी काफी प्रचलित हुई थी, जो बिरसा मुंडा के विद्रोह उलगुलान के प्रेक्षापट पर लिखी गई थी। उलगुलान के प्रेक्षापट पर काफी कुछ लिखा गया है, जिसमें आपकी जंगल के गीत भी काफी प्रचलित हुई थी। दलित साहित्य की तरह आदिवासी साहित्य को भी
रचनाकारों के आधार पर बांटा गया है दलित साहित्य, इस पे मैं चर्चा करूंगी अभी इसके अगले क्षेत्र में। गैर आदिवासी साहित्य ने भी, साहित्यकारों ने भी इसमें इस दिशा में कलम चलाई है। इसमें रमणिका गुप्ता दलित और आदिवासी साहित्य क्षेत्रों में काफी चर्चित नाम है रमणिका गुप्ता, और इन्होंने दलित और आदिवासी साहित्य क्षेत्रों में काफी बड़ा काम किया है। तो रमणिका गुप्ता की सीता मौसी और कैलाश चंद्र चौहान की उपन्यास भंवर काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान के हरिराम मीणा के उपन्यास धुनी तपे तीर, रणेंद्र की ग्लोबल गांव के देवता और गायब होता देश भी काफी चर्चा में रहे हैं। तो कहानी विधा में भी आदिवासी साहित्य ने अपने कदम रखे हैं। कहानी आदिवासी कहानीकारों में एलिस एक्का, रामदयाल मुंडा, वॉल्टर भेंगड़ा तो खैर बात ही हो गई, मंगल सिंह मुंडा, प्यारा केरकेट्टा, चिकृष्ण चंद्र टुडू, जनार्दन गोंद, सुंदर मनोज हेम्ब्रम, तेमसुला आओ, गंगा सहाय मीना, शिशिर टुडू, इन्होंने आदिवासी कहानियों में बहुत सारी कहानियां लिखी थी। इसके अलावा आपकी पीटर पाल एक्का की कहानी संग्रह है खुला आसमान बंद दिशाएं या परती जमीन, जेम्स टोप्पो की है शंख नदी भरी गेल, मंजू जोत्स्ना की कहानी है जग गई जमीन, ये सब आदिवासी जो कहानी संग्रह है उसकी रचनाएं हैं। आदिवासी साहित्य की आदिवासी साहित्य का मूल जो स्वर है वह मूल स्वर यही है कि आपकी लगभग 2 दशक पूर्व जो भारत में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आर्थिक उदारीकरण नीति ने बाजारवाद का रास्ता खोला। मुक्त बाजार के मुनाफे पर आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन और उनके साथ उनके जीवन को भी दांव पर लगाकर खेला जा रहा था। अकेले झारखंड में करीब 10 लाख से ज्यादा आदिवासी विस्थापित हो चुके थे। आदिवासियों का जोर शोर से विस्थापन और जंगल काटकर जगह बनाए गए और आदिवासियों का विस्थापन किया गया, और धीरे धीरे उस आदिवासियों के विस्थापन के विरोध में ही जो स्वर उठता है वो आदिवासी साहित्य का मूल स्वर है। विस्थापन के विरोध में तो 2 सदियां आदिवासी विद्रोह की गवाह रही हैं। इसी विद्रोह से उन्हें रचनात्मक ऊर्जा निकली, मगर वह मौखिक ज्यादातर रही। बाद में वे संचार माध्यमों के अभाव में बहुत राष्ट्रीय रूप वह धारण नहीं कर सकी, मगर धीरे धीरे वह मुख्य धारा में जुड़ती है और पाठकों के समक्ष आती है, और ये आदिवासी शोषण की प्रक्रिया को भी वह दर्शाती है। अपने ही जंगल से विस्थापित हुए लोगों को वह उनके दर्द को, उनके संघर्षों को वह दिखाने का प्रयास करती है। इस संबंध में मैंने पिछले क्लास में भी इसकी चर्चा की थी कि जब महाश्वेता देवी जब पढ़ाई कर रही पढ़ा रही थी तो एक आदिवासी छात्रा ने उनसे पूछा था कि आदिवासी छात्रा ने उनसे पूछा था कि हम काफी वीरों की कहानियां सुनते हैं, काफी वीरों की बातें सुनते हैं, स्वाधीनता आंदोलन की बातें सुनते हैं, क्या हमारे हमारे समाज में कोई वीरों की कहानियां नहीं है, कोई वीरों की कोई संघर्षों की कहानियां नहीं है, क्या हमारे कोई आइडल्स नहीं है? तो आदिवासी साहित्य एक लंबे समय तक अपने वीरों की कहानी, अपने संघर्षों की कहानी से अनभिज्ञ रहा। आदिवासी साहित्य ने बिरसा मुंडा और अलग अलग आपके जो वीर हैं उनके कहानियों को पाठकों के सामने, उनके संघर्षों को, उनकी जो विद्रोह है, उलगुलान है, उनके उनको सामने लाने का प्रयास किया है। आदिवासी साहित्य का मूल स्वरूप यही है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि आदिवासी साहित्य में आदिवासियों की मूल समस्याएं भी स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद बदलती है। पहले आदिवासियों की स्वतंत्रता पूर्व मूल समस्या थी कि वनोपज पर प्रतिबंध था, तरह तरह के लगान लगाए जाते थे, लगान के कारण उन्हें बेगारी करने के लिए मजबूर किया जाता था, महाजनी शोषण, पुलिस प्रशासन की जातियां थी। आदिवासियों की मूल समस्याएं स्वतंत्रता पूर्व इस तरह थी, परंतु स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार द्वारा अपनाए गए विकास के गलत मॉडल ने, जिन विकास के मॉडल में आदिवासियों को शामिल नहीं किया गया और उनसे उनसे उन्हीं के जल, जंगल और जमीन छीनकर उन्हें बेदखल कर दिया गया, विस्थापन उनके जीवन की मूल समस्या बन गई। तो आजादी के बाद आदिवासियों की इन समस्याओं को हाईलाइट किया गया है।
इस प्रक्रिया में उनसे उनकी एक और उनकी सांस्कृतिक पहचान धीरे धीरे छूटती गई, दूसरे उनके अस्तित्व की रक्षा का प्रश्न खड़ा हो गया, तीसरे उनके ऊपर भी दलित दलित वर्ग की तरह शोषण लागू कर दिया गया और उनके मन में भी हीन भावना पैदा कर दी गई। तो उनके सामने ये समस्या खड़ी हो गई कि अगर वे पहचान बचाते हैं तो उनके अस्तित्व का संकट खड़ा होता है, और अगर अस्तित्व बचाते हैं तो पहचान नष्ट होती है। तो इसी तरह से आदिवासी जो विमर्श है वह अपनी रचनात्मक ऊर्जा आदिवासी विद्रोह की परंपरा से लेता है। उनका भी एक इतिहास है, उनकी परंपरा है, और उन आंदोलनों की भाषा को वह पाठकों के समक्ष लाके खड़ा करता है। तो आदिवासी साहित्य पर चर्चा, किन्हीं ने सवाल पूछा है, मैं एक बार थोड़ा देख लेती हूँ। दलित साहित्य अनीश्वरवादी अनात्मवादी साहित्य है कैसे? अनीश्वरवादी साहित्य पर तो मैंने सर बात भी की थी आप। अच्छा ठीक है, मैं अपनी विचार रखू। अनीश्वरवादी साहित्य इसीलिए है, दलित साहित्य ईश्वर की जो सत्ता है, लोक कक्षा इसी को कहते हैं। अच्छा, अनीश्वरवादी जो दलित साहित्य का जो मूल है कि ईश्वर का जो अस्तित्व है, दलित साहित्य उसको नकारता है, क्योंकि उनका दलित साहित्य का ये मानना है, दलित साहित्यकारों का ये मानना है कि ईश्वर की रचना एक वर्ग विशेष को शोषित करने के लिए ईश्वर की रचना की गई है। ईश्वर पूरी तरह से मानवकृत है। मैंने इसमें मनुवादी जो आपका ये एक श्लोक का जो उदाहरण प्रस्तुत किया था, मैं दोबारा उस श्लोक को एक बार बता देती हूँ, अगर आपने ना सुना हो, मुझे पता नहीं है। ये उसका एक बहुत ही बेस है कि ब्राह्मणस्य तपोज्ञानं क्षत्रस्य रक्षणम् वैश्यस्य तु तपोवार्ता शूद्रस्य सेवनम्। ईश्वर की सत्ता को रख के ही कि ईश्वर को सत्ता की सत्ता को रख के पूर्व जन्म और पाप पुण्य का लेखा जोखा तैयार किया गया कि ईश्वर सब देख रहा है और ईश्वर आपके पुराने पापों की सजा आपको दे रहा है, यानी कि कर्म फल के आधार पर इस चीज को रखा गया। तो पूरी जो दलित तरह से अनीश्वरवादी नहीं है, यानी कि अनीश्वरवादी पूरी तरह से नहीं है, ये अपने अंदर के ईश्वर को जगाने की कोशिश करता है कि नहीं, आपके अंदर एक ईश्वर है और आपको हीन भावना से ग्रसित होने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह से मूर्ति पूजा का खंडन करता है और उस ईश्वर की सत्ता को नकारता है जिस ईश्वर ने इस भेदभाव को तैयार किया है, ये वर्ण व्यवस्था तैयार की है, और एक जाति विशेष को उन्होंने शोषित होने के लिए मजबूर किया है, जिस ईश्वर की आड़ में एक वर्ण वर्ग विशेष ने बाकी दूसरे वर्गों पर अपना आधिपत्य जमाया है, उस ईश्वर की सत्ता को वह सिरे से खारिज करता है और उसे काल्पनिक मानता है। और कुछ है? नहीं मैम, फिलहाल तो अभी तो कोई प्रश्न पूछे नहीं है, हो सकता है विद्यार्थी आगे पूछे। आप कुछ कहना चाहेंगे तो कहिए, नहीं तो मैं एक दो प्रश्न, नहीं मतलब एक दो बिंदु ऐसे रखना चाहूंगा। बताइए सर, आप मेरा वो ले लीजिए, बताइए बताइए। बस मैम, मैं ये पूछना चाहता था, जब हम लोग बात करते हैं ना अस्मिता विमर्श की, तो कई बार बहुत सी चीजें निकल, जैसे आपने शुरुआत की होगी तो आपने कहा होगा वो थर्ड जेंडर भी एक सॉरी अस्मिता विमर्श के अंतर्गत वो भी एक आता है, ठीक है, दलित पानी भी साहित्य लीजिए सर, पानी आदिवासी साहित्य और स्त्री भी। विमर्श, नहीं, ठीक है, दलित साहित्य से स्त्री विमर्श और आदिवासी विमर्श, तीनों की जब हम देखते हैं अस्मिता विमर्श के अंतर्गत, बस एक छोटा सा है कि तीनों के अगर हम लोग चरणबद्ध तरीके से रखते तो अस्मिता विमर्श के अंतर्गत कौन सा साहित्य सबसे पहले, साहित्य द्वारा कौन सा सबसे पहले मुझे क्लियर आता नहीं है आ रहा है सर, देखने आपकी को आवाज मिलता मुझे है, क्लियर नहीं आ रही है सर। सर आपकी ये आवाज प्रश्न मुझे क्लियर से नहीं पूछना आ रही था। है सर, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है सर। अच्छा अब आ रही है मैम, हेलो, हाँ जी, अब आ रही है सर, अब आ रही है सर। अच्छा जी, थैंक यू। तब मैं ये कह रहा था, हेलो मैम जी आवाज आ अब आ रही है रही ना, है, बताइए। हाँ, बताइए सर, बताइए। यस यस हाँ, सर, मैं ये ऑडिबल, कह रहा था कि ये सब लोग हिंदी,
जी, मैं ये कह रहा था हिंदी साहित्य में जब हम देखते हैं ना स्मिता विमर्श की बात करते हैं, तो जैसे तीन चार चीजों के भी हम लोगों ने बात की, स्त्री विमर्श हो गया, आदिवासी विमर्श हो गया, दलित विमर्श हो गया। मैं ये पूछा था हिंदी साहित्य में इन तीनों का हम लोग चरणबद्ध तरीके से रखने का प्रयास करें तो हम लोग किस साहित्य को पहले देखते हैं, मतलब स्त्री पहले आया या आदिवासी साहित्य पहले आया या दलित पहले आया, मैं इस पे बस ये पूछ रहा था मैं। आदिवासी साहित्य रिलेटिवली नया है सर, आदिवासी साहित्य रिलेटिवली नया है। मैं कहूँ सबसे पहले स्त्री साहित्य पर बात हुई है, क्योंकि स्त्री साहित्य की शुरुआत आपकी मेरे हिसाब से, मैं अब अपनी सीमित जानकारी से बता रही हूँ कि स्त्री साहित्य पर काफी शुरू से लिखा जाने लगा है। दलित साहित्य को थोड़ा समय लगा है सर, और आदिवासी साहित्य रिलेटिवली एक नया पक्ष है। तो मुझे लगता है स्त्री साहित्य को पहले रखा गया है, क्योंकि स्त्री साहित्य पे खाली स्त्री ही नहीं बल्कि काफी, अरे हाँ उस पे तो बात ही नहीं हुई, क्या स्वानुभूति और सहानुभूति पर तो बात ही नहीं हुई, वो बहुत मेन चीज है दलित साहित्य का। खैर जो भी है, स्त्री साहित्य जो है आपका सिर्फ स्त्रियों के लिए, सिर्फ स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी उनके जीवन पर काफी लिख रहे थे। बंगला साहित्य में इसका काफी, रविन्द्रनाथ ने काफी काम किया है स्त्री साहित्य पे। तो इस तरह से उनकी बातों को बहुत पहले रखा जाने लगा था, क्योंकि स्त्रियों के जो ये भेदभाव है ये बहुत पहले से ही लक्षित होने लगे थे। और दलित साहित्य पर, दलित साहित्य की एक जो बाद में आने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि दलित जो वर्ग है उनको, क्या कहूँ, दलित जो वर्ग है उनको शिक्षा का जो अवसर है वो बहुत जल्दी प्रदान नहीं किया गया। प्रेमचंद की रचनाओं में भी आपको दलित विमर्श देखने को मिलेगा, उन्होंने भी दलित पर काफी लिखा है और कुचले दबे वर्गों पर काफी लिखा है, आपको उस बारे में मिलेगा। और दलित साहित्य में एक और चीज है जो दलित साहित्य की कुछ विशेषता है उनको लेके चलती है, वो चीज आपको वहां पे थोड़ी कमी मिलेगी। वो चीज वहां पे शुरू होती है जब दलितों को, दलित वर्ग पढ़ लिख कर साहित्य को अपनाने की कोशिश करता है, साहित्य में अपना योगदान रखता है, वहां से दलित साहित्य का शुरुआत होती है। यहाँ पे स्वानुभूति और सहानुभूति की भी बात आती है कि जो दलित साहित्य में पहले जो लिखा गया वो एक बाहर परिप्रेक्ष्य से ज्यादा लिखा गया था। तो स्त्री साहित्य में क्या है कि महिलाएं भी, जैसे आप सुभद्रा कुमारी चौहान को ले ले, या मतलब प्रारंभिक क्षेत्रों में भी स्त्री साहित्य में काफी लिखा गया। दलित साहित्य ने, स्त्री साहित्य पहले आया, दलित साहित्य ने जोर पकड़ा आपका दलित पैंथर के बाद। तो दलित पैंथर जब शुरू हुआ उसके बाद दलित साहित्य, वो 70 के दशक के बाद दलित पैंथर शुरू होता है, उसके बाद दलित साहित्य जोर पकड़ता है, स्त्री साहित्य उससे पहले आ चुका था। तो स्त्री साहित्य आ चुका था और दलित साहित्य उसके बाद जोर पकड़ता है। आदिवासी साहित्य में हाल में ज्यादा लिखा जाने लगा है, जब से 91 के बाद उदारवाद जब भारत में प्रवेश करता है, जंगल काटे जाने लगते हैं और विस्थापन की प्रक्रिया जोर शोर से शुरू होती है, वहां से आदिवासी साहित्य घुसता है और आदिवासियों पर चर्चाएं और काम करना वहां से शुरू होता है। थर्ड जेंडर बहुत ही लेटेस्ट एक चीज है, बहुत ही थर्ड जेंडर करीब पिछले विगत 5-10 सालों से ही, जब वही बात आ जाती है कि थर्ड जेंडर, किन्नरों पर काफी लिखा गया है मगर किन्नर ने किन्नर की दृष्टि से नहीं लिखा है। और जो स्वानुभूति है वो स्वानुभूति हमेशा ही थोड़ा ज्यादा ही होती है, तो किन्नर की दृष्टि से जो लिखा लिखा गया साहित्य है, तो थर्ड जेंडर काफी नया शब्द है। जब जो थर्ड जेंडर ने पढ़ लिख कर साहित्य में अपना योगदान देना शुरू किया, वहां से थर्ड जेंडर आता है, तो काफी रिलेटिवली नया है, उस पर काफी काम करना अभी भी बाकी है। तो पहले मेरे हिसाब से पहले सर मैं स्त्री साहित्य को रखूंगी। दलित साहित्य जोर पकड़ता है दलित पैंथर के बाद, दलित पैंथर आंदोलन शुरू होता है 70 के बाद, तो दलित साहित्य उसके बाद जोर पकड़ता है, और उसके बाद आदिवासी साहित्य, उसके बाद अभी हाल फिलहाल में थर्ड जेंडर पर बात हो रही है। जी मैम, हाँ, तो एक साधारण तौर पर हम कहें तो आधुनिकता की एक देन है जहाँ पे नई नई विचारधाराओं को मुख्य रूप से मतलब केंद्रित करके रखा गया, क्योंकि तो जैसे आपने भी नहीं कहा कि बहुत पहले भी, चाहे हम लोग 1900 की बात करें या 1850 के बाद की भी साहित्य की बात करें, हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी एक समस्या को, चाहे महिला की समस्या हो चाहे दलित की हो, उस वर्ग को रखा गया। लेकिन वही जैसा मैं आपकी बात कर रहा था, बहुत छिटपुट तरीके से रखा गया, उसे मुख्य रूप से मतलब लाइमलाइट में नहीं रखा गया,
क्योंकि जैसा आपसे ही मैंने वो अपने अपने राम जो किताब की मैं कोटेशन की बात कर रहा हूँ, उसका एक हाँ जी पेज बिल्कुल, नंबर है 197, तो वहाँ पे कोटेशन है, मतलब बात होती हुआ वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र की बात हो रही है, तो दोनों के बीच में एक बात निकल के आती है कि शूद्र दौड़ भाग करके फल जुटाने के लिए बना है, वैश्य उसके जुटाए माल को झोली में डालने के लिए बना है, क्षत्रिय झोली से निकालकर ब्राह्मण तक पहुंचाने के लिए बना है, और ब्राह्मण बिना कुछ किए कहीं गए बिना हाथ चलाए केवल पगुराने और मुंह चलाने के लिए बना है। तो उसमें एक चीज यहाँ पे ये लिखी जाती है कि इसका संबंध ज्ञान और बुद्धि संबंध नहीं है। सभी जी, तो वही चीज है कि इस दौर में लिखे गए थे साहित्य, लेकिन साहित्य तो क्या एक लाइमलाइट नहीं मिल पाया, तो आधुनिक काल में उसे एक तरह से विशेष करके अलग अलग भागों में विभाजित करके एक साहित्य के रूप में परोसने का काम किया गया। जी मैम, एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा, मैं आपके समक्ष रखता हूँ। बताइएगा। वो पूछते हैं कि हाँ, स्त्री साहित्य में दहेज प्रथा के बारे में कुछ संक्षिप्त में वो आपसे जानना चाहते हैं। दहेज प्रथा तो बिल्कुल जी, वो तो जैसा हम जानते हैं बहुत ही बर्निंग इशू है, हमेशा से रहा है समाज में, तो उसी को स्त्री साहित्य से रिलेट करते हुए आप अपने कुछ अगर उनको तक पहुंचा सके। राजमोहन नायक जी ने प्रश्न पूछा है। दहेज स्त्री साहित्य में दहेज प्रथा थोड़ा सा देख लेती हूँ, क्योंकि बिल्कुल सटीक रूप से मैंने स्त्री साहित्य में, जैसे कि मैंने कहा कि सर प्रेमचंद की काफी रचनाओं में स्त्रियों पर काफी बात की गई है, जैसे निर्मला उनकी काफी फेमस रचना है, उसमें सर है कि आपका जैसे सेवा सदन में आपका दहेज प्रथा और वेश्यावृत्ति के कथानक का आधार था, और दहेज प्रथा के कारण सुमन का जीवन नष्ट होते हुए दिखाया गया है। सुमन की जो कथा है उसमें दहेज प्रथा है, और इसके बाद निर्मला में भी दहेज प्रथा का वर्णन किया गया है, और मैं एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि मैंने दहेज प्रथा प्रॉपरली, निर्मला में तो दहेज प्रथा और अनमेल विवाह था, निर्मला में तोताराम के साथ तो उसका जो वो हो रहा था, तो दहेज प्रथा ना, अच्छा एक ये मेरे से छूट गया शायद, एक और जो उन्होंने ये भी कहा था ना, वो सर है क्या अभी भी, रविशंकर आर्या जी चले गए हैं, अरे यार अनात्मवादी पर बात नहीं हुई, वो बुद्ध के अनीश्वरवादी पर मैं बोलने लगे, अनात्मवादी छूट गया। दहेज प्रथा पर काफी साहित्य में लिखा गया है, इसमें एक लोकगीतों में इसका काफी वर्णन किया गया है, जिसमें एक है आपकी की आसन देखी बाबा डासन दीहा, मुख देखी दिहा बीरा पान, अपनी संपत्ति देखी दाहेज दीहू, वर देखी दिहिया कन्या दान। इस तरह से लोकगीतों में इस दहेज साहित्य पर, सॉरी दहेज पर काफी बातें की गई है, साहित्य में भी होगा सर, मैं एकदम अचानक से थोड़ा देखना पड़ेगा मेरे को। मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, जयशंकर प्रसाद की एक दहेज कविता भी है। प्रथा जी, ना, अच्छा जयशंकर प्रसाद की एक कविता भी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसमें वही दहेज प्रथा के ऊपर ही लिखा गया है कि उनकी बेटी रहती है, उनके ब्याह के ऊपर ही उन्होंने एक पूरा कविता लिखा गया। मैं उस कविता को भूल रहा हूँ, क्योंकि वो हिंदी साहित्य के अंतर्गत आती है, स्त्री विमर्श के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए मुझे भी ध्यान नहीं है। लेकिन हम दो तीन चीजें, मैं जहाँ दहेज प्रथा की बात की जाए, अगर हम लोग आम जीवन से उठा के देखें तो ये कहीं किसी भी तरह से छूटा हुआ नहीं है, ये आज भी समाज में पूरी तरह से बना हुआ है। हाँ, कुछ हद तक हम देखें जो सोसाइटी या वर्ग अपने ढकोसलेपन में चलिए ये चीजों को छुपा लेती है, उसे अलग अलग नामों से सामने रख देती है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं समाज में तो ये आज भी बसा हुआ है, समाज में पूरे ढंग से जुड़ा हुआ है। दहेज प्रथा पर सेवा सदन की बात हर जगह आ रही है, सेवा सदन में दहेज ना दे पाने के कारण उसकी शादी दुहाजू से हो जाती है, बाद में उस पर वैश्यावृत्ति का आरोप जी जी लगता है, सेवा इसके अलावा सदन निर्मला कल हम लोग वगैरह। कक्षा में चर्चा ही कर रहे थे सेवा सदन के ऊपर, ये सुमन की कहानी है, और हाँ उनके वो उसको बहुत इच्छा रहती है कि वो चूंकि एक दरोगा की पुत्री रहती है, तो जब उसके ब्याह होता है तो जी उसके जो पति घर वालों के पक्ष में, क्योंकि उस दौर में प्रेमचंद ने लिखा है इस दौर में दरोगा दौर था कि दरोगा के रिश्वत खूब आती थी, उसकी आमदनी खूब रहती थी,
तो उसके पति के जो परिवार वालों को लगता है कि ये अच्छा ये दरोगा की पुत्री है तो बहुत सारा धन अर्जन करके लेके आएगी, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि उसके पिता जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा वफादार रहते हैं अपनी नौकरी के प्रति, वो जीवन में कभी भी अनावश्यक पैसे नहीं लेते हैं, तो इस कारण उसे बहुत सारी यातना झेलनी पड़ती है ना। बहुत बिमल विवाह भी होता है, आगे चल के बहुत ही दिखाया जाता है कि नारी समाज में कुछ भी कर ले वो बहुत जल्दी दोषी हो जाती है, और पुरुष समाज में कुछ भी करे वो दोष मुक्त रहता है। इन सब चीजों को लेकर तो ऊपर बड़ी एक उपन्यास है। किन्होंने एक प्रश्न पूछा है, मैं आपको मेल के थ्रू में अगर आप इससे जुड़ी हुए जवाब मुझे देंगे तो मैं विद्यार्थी तक पहुंचा दूंगा। तब तक हम दूसरे एक प्रश्न पे जाते हैं। सागरिका जी एक प्रश्न पूछती है कि मन्नू भंडारी के रचनाओं में स्त्री चेतना देखने को मिलेगा या वह सिर्फ घरेलू और परिवार केंद्रित रचनाएं किए हैं? इसमें एक बात कहूंगी मैडम, है क्या सागरिका स्वाई, जी इसमें एक बात कहूंगी मैडम कि स्त्री चेतना जो है वो घरेलू और परिवार से बहुत ज्यादा मतलब अलग नहीं है। मतलब प्रेक्षापट आपको घरेलू और परिवार रखना ही पड़ेगा, क्योंकि स्त्री का जो संसार है वो घर और परिवार से कभी भी अलग नहीं माना गया है। तो प्रेक्षापट आपका घर और परिवार रहता ही है, और स्त्री चेतना घर और परिवार से बाहर नहीं रहती है। जिस तरह से मतलब अभी तक में ये स्त्री चेतना की सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि कहते हैं ना सर मैडम कि एक माँ अपने घर और परिवार से, एक आदमी अपने परिवार से अलग उसकी एक पहचान बनती है, मगर माँ एक स्त्री की पहचान उसके घर परिवार से अभी भी दिखती है, उसकी अलग एक पहचान नहीं है। और वास्तविक रूप से स्त्री का जो स्त्री चेतना है, स्त्री विमर्श है, ये उसी उसी चीज को बदलने की बात है कि नहीं, औरत की एक अपनी पहचान है और औरत अपने अलग एक पहचान रखती है। तो घरेलू और परिवार केंद्रित रचनाओं में उनकी स्त्री चेतना दिखने को मिलती है। इसमें मैंने आपको वो आपका बंटी का जो मैंने बात किया वही था कि कहानी का प्रेक्षापट एक बच्चे का है, एक छोटा बच्चा जिसके माँ बाप का डिवोर्स हो गया है, और वो एक छोटा बच्चा वो देख रहा, उसका जीवन मतलब माँ बाप के डिवोर्स के कारण उसका जीवन प्रभावित होता है। मगर उसमें भी आप जब देखेंगे उसमें उसकी माँ का नाम होता है शशि होता है क्या, याद नहीं आ रहा मेरे को। उसमें जो माँ होती है, माँ का जो पॉइंट ऑफ व्यू वो भी दिखाया गया है। मतलब उसकी माँ को एक समय लगता है कि नहीं वो बच्चा उस पे बोझ है, और वो अपनी जिंदगी नहीं जी रही है, जबकि उसका पति दूसरी शादी करके वो अपनी जिंदगी सेटल कर लिया है, मगर वो नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके साथ एक बच्चा है और वो माँ है, उसका कर्तव्य है उस बच्चे को देखना। तो उसके मन के द्वंद्व, जरूरी नहीं है, इसमें ये जरूरी नहीं है कि लेखिका का ये काम नहीं है कि लेखिका ये एस्टेब्लिश करे कि वो जो सोच रही है वो सही सोच रही है, नहीं। उसके मन का द्वंद्व, एक महिला जब अपनी सत्ता से बाहर जाके, अपने परिवार की भूमिका से बाहर जाके सिर्फ अपने बारे में सोचने का निर्णय लेती है, जब वो सोचती है कि नहीं मेरी खुशियां भी हैं, मेरा अस्तित्व भी है, मुझे अपने अस्तित्व के बारे में सोचना है, तब उसके सामने कितनी तरह की बाधाएं आती है। एक पुरुष के सामने इतनी तरह की बाधाएं शायद नहीं आती होंगी, महिला के सामने आती है। एक महिला जो अपनी इच्छा से दूसरी शादी करना चाहती है, उसके सामने उसका बच्चा आता है, जो बच्चा पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर है, और वो बच्चा कतई नहीं चाहता कि उसकी माँ से कहीं और मतलब शादी करे और उसका कोई एक दूसरा जीवन हो। तो वही है कि परिवार और घरेलू केंद्रित रचनाएं उनकी भले ही है, मगर उसके अंदर स्त्री का स्वर है, आज की स्त्री के द्वंद्व है, उनकी अलग दूसरी रचनाएं भी है, जैसे महाभोज है, और एक और कौन सी रचना थी उनकी, झट से ना याद ही नहीं आता है। तो उसमें उनकी सारी रचनाओं में भले ही आपकी ये मैं हार गई, या फिर त्रिशंकु, या अकेली, अकेली जो कहानी है वो सोमा बुआ पात्र को केंद्र में रख के बनाई गई है। तो इसमें आप देखिएगा जो आपका प्रेक्षापट है वो समाज है, वो घर है, वो परिवार है, मगर सोमा बुआ अपने आस पड़ोस के घुलने मिलने के प्रयासों के बावजूद अकेली पड़ जाती है। वो अकेली इसलिए क्योंकि वो बूढ़ी हो चली है, उसका पुत्र उसको छोड़कर जा चुका है। तो उनके परिवार के प्रेक्षापट में, परिवार के परिधि में अलग अलग तरह की स्त्रियों का और स्त्रियों के मन के द्वंद्वों का वर्णन मिलता है, और आज की नारी उससे खुद
खुद को जोड़ देती जोड़ सकती है कि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके मन में भी यही द्वंद्व है कि हाँ अपनी पहचान या परिवार परिवार का स्थान दोनों दोनों के बीच में वो एक द्वंद्व में फंसी हुई रह जाती है। और उस द्वंद्व का बहुत अच्छा चित्रण आपको मन्नू भंडारी की रचनाओं में मिलेगा। तो मन्नू भंडारी की समस्त रचनाओं में आपको स्त्री चेतना मिलेगा, मगर वो परिवार से अलग होके नहीं मिलेगा, क्योंकि स्त्री चेतना का मुख्य स्वर परिवार को लेकर ही है। परिवार के अलावा अभी तक स्त्री चेतना का अस्तित्व नहीं दिखाई दिया है। उसकी स्त्री अगर महत्वाकांक्षी अपने बारे में भी सोचती है तो उसका परिवार ही उसके सामने आता है, उसको उसको लेके चलना पड़ता है एक, और यही स्त्री चेतना का प्रमुख स्वर है, उसी चीज को दिखाने का प्रयास किया गया है। और कुछ है? अच्छा वो सर तो चले गए, वरना अनात्मवादी पर सर ने बहुत अच्छा एक सवाल किया था कि दलित साहित्य में अनात्मवादी का क्या वो है ना, क्या जो था कहाँ गया, दलित साहित्य मतलब अनाथवादी कैसे है, उन्होंने पूछा था। अनाथवादी दलित साहित्य अनात्मवादी वो बौद्ध दर्शन को दरअसल सपोर्ट करता है। बौद्ध दर्शन से पूरी तरह प्रभावित है। और बुद्ध दर्शन में अनात्मवादी, अनात्मवादी का अर्थ है कि आत्मा के अस्तित्व को टकाए, एक आत्मवादी और अनात्म, आत्मा के अस्तित्व को जो नकारता है उसे अनात्मवादी कहते हैं। तो आत्मा का अस्तित्व कि आत्मा मतलब वही है अनात्मवादी, उसमें ये है सर कि आत्मा पूर्व जन्म का अपना जो कर्म लेके चलती है तो कर्मों के आधार पे फल भुगता है, तो अनात्मवादी आत्मा के अस्तित्व को नकारती है। तो दलित साहित्य क्योंकि बौद्ध साहित्य से प्रभावित है और बौद्ध साहित्य अनात्मवादी को लेकर चलता है, तो इसीलिए। और किसी ने एक और पूछा ना, अरे ये चैट में मैं नीचे क्लिक करती हूँ तो ऊपर कैसे चला जाता है। नहीं नहीं आपने लास्ट अच्छा चांस थैंक छोड़ा यू। था ना, वहीं पर रह गया। हाँ 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 स्त्री स्त्री रचनाओं में वही है मैडम, वही बोला है। अच्छा मैंने तो ही बोल दिया नहीं, स्त्री रचना स्त्री चेतना कभी भी घर मतलब एक किसी भी उपन्यास में कोई एक मुद्दे पर पूरी तरह से, अनलेस वो दलित साहित्य नहीं है, जैसे जूठन है वो पूरी पूरी की पूरी दलित साहित्य पे चर्चा, मगर उसमें भी समाज है, उसमें भी घर परिवार है, उसमें जो क्योंकि आत्मकथा है तो उसमें जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन से आधारित चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजें लेके चलती है। तो घरेलू और घर और परिवार के बीच में ही स्त्री चेतना है कि घर घर और परिवार के साथ बंध कर वो अपने बारे में क्या क्या सोच सकती है और क्या द्वंद्व रख सकती है, उसके मन में कैसे द्वंद्व चलते हैं, वो बहुत ही प्रासंगिक है आज के जीवन में भी। अगर स्त्री महत्वाकांक्षी बनती है, उसे लगता है कि वो और भी कुछ अच्छा करे, तो उसके उसके लिए हर्डल बहुत ज्यादा है। एक बेकडल टेस्ट करके बहुत अंग्रेजी में एक वो है, ये स्त्री साहित्य में, स्त्री साहित्य की बात कर रही हूँ तो मैं ये बात बोल देती हूँ, बेकडल टेस्ट, इसको जरूर गूगल कीजिएगा। ये एक चीज है जो स्त्री साहित्य का एक बहुत बड़ा मापदंड माना जाता है। जरूरी नहीं है कि स्त्री साहित्य में सिर्फ वही साहित्य हो जिसमें स्त्री की बात रखी गई हो। बेकडल टेस्ट होता है सर ये कि आप ये तीन तीन कैटेगरी में चलती है, तीन कैटेगरी में है। मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, मैं मतलब थोड़ा सा बता देती हूँ, गलत बताने से अच्छा है कि देख के बताना। मैंने काफी 3-4 साल पहले इसको पढ़ा था और मुझे काफी प्रभावित प्रभावित किया था। महिला साहित्य पर अगर वाकई में बात करनी चाहिए तो इस तरह से बात करनी चाहिए, उसके ऊपर बहुत ही जरूरी है ये आपका बेकडेल टेस्ट। ये किसी भी साहित्य में स्त्रियों को पर्याप्त महत्व दिया गया है कि नहीं उसके ऊपर बात है था। तो कोई भी साहित्य ले उसकी स्त्री पात्रों को ले तो उनकी उसकी तीन शर्तें हैं इस टेस्ट की। पहली शर्त है वो किसी भी साहित्य में स्त्री का एक से ज्यादा पात्र होना चाहिए, दो पात्र स्त्री होने चाहिए। जो जो साहित्य इसमें हट जाते हैं तो वो बेकडेल टेस्ट में पास नहीं करते, यानी कि स्त्री विषय बातों को वहां पे ध्यान नहीं दिया गया, ये एक है। दूसरा, वो दोनों जो औरतें हैं वो आपस में बात करनी होनी चाहिए, यानी कि किस उपन्यास के या साहित्य किसी भी पोर्शन में ये जरूर मेंशन होना चाहिए, ये जरूर दिखाया जाना चाहिए कि वे दोनों आपस में बात कर रही है, ठीक है सर। और तीसरा है कि वे जब दोनों बात करें तो उनकी बातों का विषय जो है वो कोई पुरुष या पुरुष से संबंधित ना हो। आमतौर पे आप देखिएगा 80% से अधिक साहित्य इस टेस्ट में फेल होता है, यानी कि अगर उस पहली उनकी उनके
साहित्य में नारी पात्र ज्यादा नहीं होते, अगर होते भी हैं तो दोनों एक दूसरे से बात करते नहीं दिखते, वो अपने घरेलू काम में होते हैं या फिर किसी से, और अगर करते भी हैं तो उनकी बातों की चर्चा पुरुष नहीं होता है, पति बेटा भाई पिता ये सब नहीं होते, वो अपने बारे में बात करती है, यानी कि अपनी इच्छाओं अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात करती है। बड़े से बड़ा स्त्री लेखन भी इस एक टेस्ट में फेल हो चुका है। अगर आप कहें, अगर आप सच में कहें तो मतलब बहुत से मतलब बड़े से बड़े टेस्ट भी इसमें फेल हो चुके हैं, बहुत से मूवीज में भी कहा जाता है कि नहीं मतलब फिल्मों में बेगदल टेस्ट में अच्छी से अच्छी फिल्में भी इसमें फेल हो चुकी हैं कि नहीं स्त्री मतलब कोई मतलब जाहिर सी बात यही है कि महज स्त्री के पात्र दिखा देने से या स्त्री को बात कर उससे नहीं होता है, अपने बारे में स्त्री क्या सोचती है, उसका जिंदगी उसकी जीवन पुरुष केंद्रित ना रहे, उसका जीवन पुरुष से ही ना रहे, वो अपने बारे में क्या सोचती है और अपने बारे में क्या बात करती है। तो काफी पॉपुलर हुआ था सर, तो क्या कहते हैं इसमें मतलब काफी बात हुई थी, काफी पॉपुलर हुआ था कि नहीं, बहुत बड़े बड़े टेस्ट भी इसमें फेल हुए थे। मैं अगर कहूँ आपके अभी थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, तो वाकई आज की सर यही जरूरत है कि स्त्री स्त्री पात्र दिखाना है, बल्कि स्त्री स्त्री अपने बारे में क्या सोचती है, खुद के बारे में क्या सोचती है, उसको भी दिखाना जरूरी है। और किसी का कोई सवाल है? मैसेजेस आर आल्सो रिकॉर्डेड, मैसेज कैसे रिकॉर्ड होते हैं? मैसेज नहीं रिकॉर्ड होता, आप भी कुछ पूछ लीजिए, हम देख वो लिखा मैसेजेस आर रिकॉर्डेड, मैंने कहा मैसेज कैसे अभिषेक जी आप भी कुछ पूछ सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा है। नहीं मना वाली कोई बात नहीं, नीरज सिंह जी अगर नीरज सिंह जी आप अगर हैं तो आप एक बार म्यूट करके आए, ये भी काफी बड़े विद्वान हैं और हाल में शोध कर रहे हैं, शायद ये मेरे दोस्त हैं, मुझे पता नहीं है। नीरज सिंह जी बोलिए, कोई नहीं बोलिए मैम। हाँ मेरे को लगा सही लगा आपको। नीरज सिंह जी अभिषेक जी माफी चाहूंगी। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैम, उसमें माफी वाली कोई बात नहीं। ये बर्दवान यूनिवर्सिटी के शोधार्थी हैं। शोध कंप्लीट हो गया सर? नहीं नहीं अभी तक तो नहीं, जारी है, 1.5 वर्ष हुए हैं। नीरज जी शायद आदिवासी साहित्य पे शोध कर रहे हैं क्या? जी जी बिल्कुल, इसीलिए आपको सुनने का सौभाग्य मिला, सुन लेते हैं। नहीं नहीं अभिषेक जी, नीरज जी बर्दवान यूनिवर्सिटी के शोधार्थी हैं और का मतलब आदिवासी साहित्य पे शोध कर रहे हैं, मुझे लगा कि शायद नीरज सिंह जी वही है, तो इसीलिए तो कैसा आप इस बारे में मत व्यक्त करते हैं नीरज जी? नहीं नहीं सही है आपका वक्तव्य, अपने आदिवासी साहित्य पे अब मैं क्या बोलूं मैम, मेरी बात कोई गलत है तो आप बता सकते हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आदिवासी साहित्य अपने आप में आपने सही कहा कि वर्तमान युग की नई उपलब्धि है 1990 के बाद। आदिवासी साहित्य में पहली रचना वही है ना? हाँ हेलो, आदिवासी साहित्य में पहली रचना सर किसको मानी जाती है? आदिवासी साहित्य में पहली रचना तो जहाँ तक जानकारी उपलब्ध है ज्योतिबा फुले के आसपास ही शुरू होती है, क्योंकि उसी समय से आदिवासियों पर चर्चा शुरू होती है, जरूर है, लेकिन उसके बाद इस पे जो क्रमबद्ध रूप से लेखन होता है उस तरीके से नहीं होता है। ज्योतिबा फुले की बहुत सारी रचनाओं में उनके बारे में बहुत कुछ मिलता है आदिवासियों के बारे में। इसके बाद बिरसा मुंडा ने भी जो पैम्पलेट लिखते थे ना, वो अपने वन्य जीवन वगैरह के बारे में या लोगों को जागृति लाने के लिए, तो बिरसा मुंडा के वो पैम्पलेट भी इसमें इसी संदर्भ में रखे जा सकते हैं। लेकिन आदिवासी विमर्श की शुरुआत तो बिल्कुल नया है, वो 1990 के बाद ही आता है ना, जो आपने कहा, लेकिन उससे पहले महाश्वेता देवी ने बांग्ला में प्रयास किया था, है ना, और लेकिन उसमें आदिवासियों की चिंताएं जरूर उपलब्ध हैं, लेकिन आदिवासी का वह स्वरूप उसमें नहीं मिलता है जो
वर्तमान आदिवासियों की समस्या के रूप में, क्योंकि वैश्वीकरण और अमेरिकीकरण और मैकडोनलीकरण, इन सब का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जो उपलब्ध होता है इसमें, वो समाज को, वर्तमान समाज को तो प्रभावित करता है, लेकिन भूमंडलीकरण के दौर में उसने आदिवासियों, खास करके 8% जो आबादी देश की है, उसमें से लगभग 3-4% आबादी को विस्थापन के दर्द को, दंश को झेलने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा जो टेनेसी एक्ट वगैरह लगाए गए या बहुउद्देशीय योजनाएं जो नौवीं दसवीं ग्यारहवीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में लगाई गई, उसके तहत आदिवासियों, चूंकि आदिवासी वन्य जीवन से थे, आम जनजीवन से उनका कुछ विशेष प्रभाव था नहीं, उनका लेना देना था नहीं, तो वो उतना कागजी कार्रवाई वगैरह में हिस्सा नहीं लेते थे। लेकिन जब उनसे, जिस जमीन पे वो खेती करते थे, जब उनसे छीन लिया जाता था, तो और उनसे सरकार तो कागज मांगती थी, वो कागज दिखाएंगे कहां से, क्योंकि वो उतना कागजी कार्यवाही में नहीं फंसे थे। इसी वजह से बेचारों को विस्थापित होना पड़ा, फिर मजबूरी की जिंदगी जीनी पड़ी। इस संदर्भ में रणेंद्र जी ने भी अपनी बात कही थी कि जब वो, उनकी नौकरी लगी थी शुरुआती दौर में, तो कह रहे थे कि जिस तरीके से आदिवासियों का शोषण उन्होंने देखा था रातों रात, उनको कैसे कत्ल किया जाता था, कत्लेआम कर दिया जाता था, और उसको नक्सलवाद की संज्ञा दे दी जाती थी, ब्लास्ट करके वगैरह, या इस तरह की चीजें मिलती हैं। और उन्होंने खुद भी इस संदर्भ में कई बातें कही हैं। अनुज लुगुन भी हैं, इस बारे में अपनी बातें रखते हैं कि उन्हें स्टेज पे वहरू सुनवाड़े, वो कहते हैं कि हमें, उनको तो स्टेज पे लाया ही नहीं गया, आदिवासी आदिवासी करके बहुत ऊंचा उठा दिया गया, ठीक है, और उसपे बहुत सारे पब्लिशर्स ने भी कमा लिया और बहुत सारे लोगों ने नाम कर लिया, लेकिन आदिवासी वही का वही रह गया, उनकी अवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ, मतलब दिखावे की जिंदगी जीने को मजबूर है कि दिखाया जा रहा है आदिवासी आदिवासी बहुत है, लेकिन वही होता है समाज में, जो जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा की जाती है, व्यवस्था में वही चीज सबसे कम होती है। जैसे स्त्री साहित्य तो बहुत ज्यादा स्त्री पे चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन स्त्रियों की स्थिति में बहुत सुधार की स्थिति आज भी नहीं है। आज शहरी स्त्रियों का शोषण अलग है। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद सर। यही नीरज जी काफी इसमें ज्ञान रखते हैं, काफी ज्ञान। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, नीरज जी आपका स्वागत है उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय को, उसमें आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नीरज जी, अभिषेक जी उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय में कार्य करते हैं। अच्छा, और इन आज के कार्यक्रम के मॉडरेटर यही है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, मुझे लेट हो गया एक्चुअली ज्वाइन करने में, कुछ बहुत कम। जी जी जी, नहीं फिर भी अभी जो 2-3 मिनट आपने जो कुछ भी कहा वो सही में बहुत ही सच कहा। जी जी जी, आदिवासी भी मर्स हो चाहे दलित भी मर्स हो चाहे स्त्री मर्स, ये इन्होंने जो अंतिम पॉइंट है कहा ना, बहुत बेहतरीन कहा कि हाँ, उनके नाम पे लिख करके लेखक हो चाहे पब्लिशर हो, वो तो बहुत आगे बढ़ गए, बहुत कमाल की। लेकिन जो मुख्य बिंदु रही थी उनकी, जो मुख्य दर्द रहा, उससे अभी तक दूर नहीं कर पाया गया। खुद मुझे ऑफर आता है कि सर अगर आप आदिवासी हैं और लिखते हैं तो मैं आपकी किताब फ्री में छाप दूंगा, भले रॉयल्टी ना मिले। मैंने आदिवासियों से बात की, इनको पैसे देते हैं आपको? बोले नहीं, ये लोग छाप के खुद कमाते हैं, हम लोग को तो कुछ नहीं मिलता। इस संदर्भ में झारखंड के साहित्य के उल्लेख करूं, ग्लैंड संग डुंगडुंग वहां के लेखक हैं, ग्लैंड संग डुंगडुंग, ये आदिवासी पब्लिकेशन से इनकी किताबें निकलती हैं, झारखंड में ही है, नामकोम बोल के जगह है वहां पे, उसी के आसपास है इनका पब्लिकेशन हाउस। तो इनसे मेरी बात हुई, इनसे मैंने लगभग 15-16 किताबें मंगाई, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको रॉयल्टी मिलती है? बोला नहीं, ये लोग छाप देंगे, इसलिए मैं अपना पब्लिकेशन खुद बनाया और खुद यहाँ से छापता हूँ अपनी किताबें, क्योंकि दूसरे पब्लिशर्स मेरी किताबें छाप देते हैं लेकिन रॉयल्टी के हिसाब से कुछ भी विशेष नहीं देते हैं। ऐसा इनका व्यक्तिगत था, है ना, ये नहीं जानता सबके साथ क्या होता है, लेकिन ऐसा उनका कहना था। और विमर्श की अगर समस्या यही है कि मतलब विमर्श पर चर्चाएं बहुत होती है मगर कुछ ठोस काम नहीं होते हैं, वरना महिला साहित्य, नारी साहित्य पे, ये स्त्री विमर्श पे तो इतने दिनों से काम हो रहा है, आज तक स्थिति वही है, तो इश्यूज तो है। चलिए, स्त्री विमर्श पे जहां तक बोलू, मैम बताइए बताइए सर, क्षमा कीजिएगा, आपके क्लास के बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। अरे मेरी क्या क्लास है सर, ज्ञान आदान प्रदान होना चाहिए सबसे बड़ी बात। बताइए। एक्चुअली स्त्री विमर्श पे जो मूल शुरुआत मानी जाती है, जिसको स्त्री की देह मुक्ति से ऊपर की बात जो कही जाती है, वर्तमान जो साहित्य है 1970 के 80 के बाद के दशक में, जब कांग्रेस शासित शासन अपने मतलब
पुरजोर पे नहीं होता और जनता पार्टी की सरकार आती है, जिसको जेपी आंदोलन के बाद की बात कहें अगर, तो उस समय दो तीन तरह की बातें हमारे सामने उभर के आती हैं कि स्त्री को सबसे ऊपर दर्जा तो दे दिया गया लेकिन उसको उस रूप में स्थापित नहीं किया जा सका जिसको स्थापित करना चाहिए। इस समय एक चिंता जाहिर की थी यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने, कि स्त्री पर चर्चा तो कीजिए लेकिन स्त्री को परिवार से भी जोड़ना अनिवार्य है, एकदम स्वच्छंद होकर के वो अपने को नहीं रख सकती। ठीक है, तो यूएनडीपी के इस आदेश का पालन उस समय जब किया था, यूएनओ गलत कहा मैंने सॉरी है ना, यूएनओ के इस आदेश के पालन में सबसे पहले स्त्री को एक नवीन कलेवर के रूप में, बी आर चोपड़ा ने चूंकि रियलिटी कमाने के लिए, वो तो अलग चीज है, लेकिन 87 के बाद की जो चीजें हमारे सामने उभर के आती हैं वो इसी तरीके से है कि एक तरफ तो द्रौपदी के चरित्र को दिखाया गया एक अलग तरीके से, बी आर चोपड़ा ने अपनी सीरियल्स में इसका उल्लेख किया, फिर उस समय स्टार टीवी 1992 या 93 के आसपास आया था, स्टार टीवी ने उस तरह के सीरियल लॉन्च किए जो स्त्रियों की कथा को दर्शाते थे। इसके बाद आपको अच्छी तरह याद होगा कि 1989 के आसपास ही मिडिल क्लास फैमिली, हम साथ साथ हैं, है ना, इस तरह की फिल्में आई जिसमें पारिवारिक सौहार्द को दर्शाने का प्रयास किया गया, क्योंकि हिंदी सिनेमा पे बहुत कुछ लिखा गया था इस दौरान, है ना। लेकिन एक चीज यहाँ पे, हेलो सुन रही हो, बोलिए। एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि उसी समय प्रभा खेतान जी ने पीली आंधी वगैरह लिखी थी जिसमें उन्होंने स्त्री विमर्श की जिन चीजों को दिखाया था उसमें सिमोन द बोवा को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने कहा था कि स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री बनाई जाती है, तो पैदाइशी से तो कोई थी नहीं, तो उस समय उन्होंने इस अवस्था को दर्शाया था। लेकिन अभी तक स्त्रियों पर आरोप लगते थे कि स्त्रियां राजनीति में नहीं आ सकती, स्त्रियां चाहे जो हो, जिसका मुंह तोड़ जवाब मन्नू भंडारी ने महाभोज लिख के दे दिया गांधी के बावजूद जिसका नहीं, लेखन के क्षेत्र में अगर कोई लिख सकता है राजनीतिक चीजें, तो ऐसा आरोप लगता था कि स्त्रियां राजनीतिक चीजें नहीं लिख सकती, जिस पर मन्नू भंडारी जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया, महाभोज लिख के बता दिया कि स्त्रियां भी राजनीति की उतनी ही समझ रखती है जितना पुरुष अपने आप को समझते हैं। और इसके बाद की जो चीजें उपलब्ध होती हैं हमारे पास, जैसे कलिकथा वाया बाईपास, अलका जी का, हेलो अलका सरावगी, हाँ अलका सरावगी, अलका सरावगी ने जब कलिकथा वाया बाईपास लिखा तो जब मेरी उनसे बात हुई थी इंटरव्यू के दौरान, तो उन्होंने इस बात को कही थी कि जब मैं मारवाड़ियों के इतिहास पे चर्चा करती हूँ तो कोई मारवाड़ी का इतिहास सीधे सीधे लिखने की हिम्मत नहीं करता, विशेषकर स्त्री, स्त्री को मारवाड़ियों के खासकर बनिया परिवार में एक दूसरे तरीके से घर की सजावट की वस्तु समझ के रख दी जाती है, तो उन्होंने इसी बात को उठाया था और बोली जब पुरस्कृत हो गई तब पर भी लोगों को शक हो रहा था कि क्या इसने सही में लिखा है कि ये घोष्ट लेखन है, मतलब लोगों को इतना शक होता है। और इसी दौरान उन्होंने इस बात को भी उठाया था कि स्त्री लेखन जो होता है, हेलो सुन रही हूँ सर बोलते रहिए सॉरी मैम लेकिन एक स्त्री लेखन के बारे में इन्होंने भी दो बातें उठाई थी, मधु काकड़िया ने भी, क्योंकि कलकत्ता से जुड़ी हुई थी, तो कलकत्ते से उन्होंने जब स्त्री लेखन लिखा तो उन्होंने लिखा स्त्री को बिल्कुल समाज से अलग करके अगर हम निरपेक्ष भाव से उसका आकलन करेंगे तो हमको दो तीन चीजें ध्यान रखनी होगी। पहली चीज कि स्त्री किसी के नशे के दौरान उपभोग की वस्तु नहीं है, पुरुष अक्सर नशा करता है, पत्ताखोर जो उन्होंने लिखा उपन्यास है ना, उसमें उन्होंने नशाखोरी को दिखाया, लेकिन उस नशाखोरी के जद में सरकार डॉक्टरों ने भी साबित कर दिया कि इनडायरेक्ट स्मोकर स्त्रियां बनती गई क्योंकि उन्होंने उसका विरोध नहीं किया और ये पत्ताखोर में इस बात को उन्होंने दिखाया। इसके अलावा विशेष करके हमारे यहाँ एक औरत की नोटबुक, लेखिका का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें जब सुधा अरोड़ा, एक औरत की नोटबुक में जब सुधा अरोड़ा ने दिखाया कि अब स्त्रियों का शोषण का रूप चेंज हो गया है, पहले स्त्रियों को क्या होता था कि गांव जो चित्रण हमारे पास है कि दहेज प्रथा वगैरह के लिए परेशान किया जाता था, अब स्त्री को टॉर्चर करने के लिए नए नए तरीके खोज लिए गए। सुधा अरोड़ा ने खुद इसका उल्लेख किया जब बॉम्बे से मेरी उनसे बात हुई, वो व्यक्तिगत संस्था से जुड़ी हुई थी और उन्होंने हेल्प संस्था है उनकी बॉम्बे से जुड़ी हुई, तो उन्होंने कहा कि बांकुड़ा में अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी वगैरह जो उनकी रचनाएं हैं, ये बांकुड़ा बर्दवान बीरभूम के जो वास्तविक घटनाएं हैं उसको उन्होंने उठा करके दिखाई है। वहां पे पुरुष का जो शोषण है वो तो एक गांव में एक दूसरे तरह का है, शहरों में दूसरे तरह का है। शहरों में स्त्रियों को शोषण करने का सबसे बेस्ट तरीका कि उनको
बताया ही नहीं जाए कि हम आपका शोषण कर रहे हैं, आप अवॉइड कीजिए, मिलिए ही मत, समय मत दीजिए, या कुछ ऐसा कि वो मात्र उपभोग की वस्तु है, उनसे खेला जाए, बस इतने तक ही सीमित रह जाती है। और शहरी जिंदगी, भागदौड़ की जिंदगी, अपने व्यक्तिगत जिंदगी में मनुष्य इतना परेशान कि अपने जो साथ रहने वाले जो सहयोगी लोग हैं, सहयोगी का नाम ले रहा हूं मैं, सिर्फ स्त्री की बात नहीं, तो स्त्री सिर्फ पत्नी ही नहीं होती, अपनी माताजी भी होती हैं, है ना, तो उनके साथ रहने के दौरान उनको कितना समय दिया जाता है, इस बात पे सबसे ज्यादा जोर दिया रहता है इस समय के साहित्य में। और इसमें शोषण का प्रारूप चेंज होता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित ज्यादा शहरी औरतें होती हैं, क्योंकि इस संदर्भ में भारत में एक हेल्थ डाटा निकल के आया था, ये मैं एक्चुअली डाटा पुराना है, 2016 के दौरान मनोरमा ईयर बुक में निकली थी, ठीक है, अभी का लेटेस्ट मुझे नहीं पता है, तो उस दौरान पाया गया कि ज्यादा से शहरी जो औरतें होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा अवसाद ग्रस्त होती हैं। कारण उनको जो चीज हो, जिसको बोलते हैं ना, फूल को खिलने के लिए जिस वातावरण की जरूरत होती है वो उनको नहीं दिया जाता। अब फूल का मतलब ये नहीं कि उसकी कमजोर समझा जाए, ठीक है, मतलब एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा स्त्रियों के ऊपर जो अवसाद इस तरह से मतलब हावी था कि उन्होंने समाज को एक दूसरे तरीके से देखना शुरू कर दिया। स्त्री विमर्श का मतलब ये नहीं कि ये पुरुषों का विरोध है, सबसे बड़ी चीज, लेकिन यहाँ एक बात जरूरी है, हाँ, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि पुरुष कितना इस चीज को समझता है। नरेश मेहता ने एक पति के नोट्स लिख करके अपने पुरुष की व्यथा व्यक्त कर दी, लेकिन उसमें स्त्री को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। अब एक औरत की नोटबुक और एक स्त्री के, एक औरत की नोटबुक लिखा इन्होंने और एक पति के नोट्स उन्होंने लिख दिए, ठीक है, तो नोट्स में दोनों ने अपने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। अब अपने से छोटी स्त्री के लिए रविंद्र कालिया ने भी लिख दिया, है ना, तो इस तरह की रचनाओं में, जैसे हे मेरी तुम, ऐसा नहीं है कि ऐसी रचनाएं नहीं है जो स्त्रियों को अप्रिशिएट नहीं करती हैं, लेकिन स्त्रियों को जो वास्तविक प्रेम मिलना चाहिए, जो उनको सौहार्द मिलना चाहिए, जो उनको एक अटैचमेंट जिसको कहते हैं वो मिलना चाहिए, उस चीज की ओर सवाल उठाता है कि कितना मिला। हर चीज तो लड़के नहीं ली जा सकती, इसके लिए स्वयं समाज को जिम्मेदार होना होगा, पुरुषों को जिम्मेदार होगा, उस तरह के संस्कार देने होंगे बचपन से, और इसके लिए भी स्त्रियां ही जिम्मेदार हैं। अगर बचपन से ही उसको सिखाएंगे कि तुम लड़की बाहर मत जाओ, तो पुरुष को भी बोलना है कि रात को 9 बजे के बाद बाहर मत जाओ, फालतू में घूमने से कोई लाभ नहीं है, अपने जीवन की ओर ध्यान दो। तो ये अगर संस्कार डेवलप किए जाए समाज में, इसके ऊपर 2-3 चर्चाएं भी मिलती हैं, क्योंकि बीच में 1-2 इंटरव्यू वगैरह प्रकाशित हुए थे इस संदर्भ में, गौतम जी ने भी इस पे, गौतम सान्याल जी ने भी लिखा है ना, नैरेटोलॉजी के ऊपर जब उन्होंने 1916 में अपनी एक किताब निकाली थी, तो उसमें इस बात का उल्लेख किया था कि आख्यान की ओर हम लोग ज्यादा अग्रसित होते हैं, हम हर समय द्रौपदी को ये साबित करने में लगे रहते हैं कि वो 5 पतियों वाली थी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप कई साहित्यों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है, कई तरीके से उसको दूसरे तरीके से, सामंतवादी दृष्टि से देखने का प्रयास हुआ वगैरह, और तो आप लोग तो इस संदर्भ में जानते ही हैं, है ना। मैम बोलिए, मैं खत्म नहीं हुआ, आप बोलिए। आप बोलिए अभिषेक जी, बताइए आप। नहीं मैम, बहुत बहुत बेहतरीन सर ने जो कुछ भी कहा, बात तो सच है, बहुत बेहतरीन भी कहा सर का, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, देर से आए इसलिए सर मैं कहूंगा आपने देर की, लेकिन हाँ नहीं, आपने जितना भी समय दिया बहुत दिया, बहुत बेहतरीन, हाँ देर आए दुरुस्त है, बहुत बेहतरीन बातें कही, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपना समय दिया। धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया, मैं सुन रहा था सिर्फ। मैं सोचा फिर सुनूंगा आज क्या वो कुछ दिखने को मिलेगा, क्योंकि ज्ञान जहाँ से मिल जाए बहुत है। कहाँ आपके ज्ञान के समुद्र में हमारा छोटा सा सोता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए सर जी मैम, तो अगर आपकी अनुमति हो तो इसके साथ समय भी हो रहा है, संडे भी है, जैसे जानते हैं बच्चों को थोड़ा टेक्निकल स्टाफ को भी घर जाना है। जी 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 जी, तो इसलिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना समय निकाला। नीरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद ये अमित त्रिपाठी जी का और दास अनंता कुमार दास जी का, वे कल से टेक्निकल सपोर्ट के लिए उन्होंने काफी कुछ झेला है, तो मैं विशेष रूप से उनका धन्यवाद करूंगी कि आज उन्होंने ये कार्यक्रम काफी सफल बनाया उनकी तकनीकी सहायता के साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफी आप लोगों को समस्या हुई कल, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, ठीक है। आज भी मैम, चूंकि कक्षा आमतौर पर 12:30 को कम्प्लीट हो जाती है, 1 बज गया है,
उन्हें भी कुछ काम होगा, संडे का दिन है कुछ चीज इसीलिए निश्चित इसीलिए मैं होते थोड़ा उनके लिए भी सोच रही हूँ। बाकी हम तो हैं। खैर सुनते रहते हैं 2 घंटा 3 घंटा। जी जी ठीक है जी सर, जी मैम, ये बहुत सर बहुत धन्यवाद आपका विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा को सफल बनाने के लिए, और हमारी टेक्निकल टीम अमित सर और अनंत दास सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने अपना समय इतना ज्यादा समय हमें दिया, तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। नीरज जी आपसे अनुरोध रहेगा कि आगे भी अगर हो सके तो आप आइए हमारी कक्षा में, जी जी और प्रयास करूंगा मैं। जी 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 आज और प्रथम बार आया हूँ। वेबसाइट में जाइएगा तो उसमें सेशन का वर्णन किया रहता है और आपको लिंक भी वहीं पे मिल जाएगा। नहीं तो आपसे मैं जी जी नंबर ले जी लूंगा सर, से पर्सनली बातचीत होती रहेगी इस पर। हाँ ठीक है, नंबर नंबर ले जी जी लीजिएगा जी जी तो बात हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जी ठीक है सर, सर, ये सभी को नमस्कार।